ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? ऑल गुड? ओके, परफेक्टली फाइन, ठीक है. सो वेलकम टू दिस सेशन. एंड सबसे पहले तो वेलकम टू सीईपीआई. और हम अपने सेमिनार को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली. और किसी भी किस्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा स्टार्ट इसमें इस तरह से करते हैं कि वी ऑल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शंस, क्योंकि इट इज वेरी मच नेसेसरी कि पहले आप लोगों को जाना जाए, योर प्रॉब्लम्स, योर सर्टेन नुआंसेस जो आप लोगों के केस में होंगे, ताकि आपके लिए जो गाइडेंस भी है उसको पर्सनलाइज्ड तरीके से फ्रेम किया जा सके. ऑनलाइन पे हमारे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम स्टार्ट जो है वो कैंपस वालों से ही कर लेंगे. तो आपसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा. आपका नाम, कहाँ से है हेलो आपका, बस यही पहचान है कि आप इनके साथ आए हैं. चल, सो हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे पहले, ग्रेजुएशन कौन की? सर, ये प्रोजेक्ट फॉर आम आम से काम करते हैं. ग्रेजुएशन किस चीज में अभी? अभी रिसेंटली? एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट यस. दोनों की? लेकिन भाई अच्छा, साथ ओके ओके, परफेक्टली फाइन. जी फर्स्ट अटेम्प्ट. जी मैम, माय नेम इज पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माय बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस. एंड योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस जी. ओके, और ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा. और पहले सेमिनार्स के अलग होके हमने ये काम किया कि हमने जो लैपटॉप है, जो चैट बॉक्स है, वो सारा सिस्टम अपने पास रख लिया, ताकि आपकी जो क्वेरीज और जो चैट है वो डायरेक्टली हम तक पहुंच सके. तो यू कैन चूज टू अनम्यूट, यू कैन चूज टू चैट, लेकिन किसी भी तरीके से प्लीज लेट अस नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अब अंदाजा हो गया कि हमारे पास कैंपस पे तो ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही हैं, हु हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस. तो वी वुड लाइक यू एज वेल टू पार्टिसिपेट इन टू दिस. जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, क्या आप लोगों के बैकग्राउंड हैं? अच्छा, दो अटेम्प्ट हैं. एंड यू आर फ्रॉम गुजरांवाला, यू आर फ्रॉम कराची, ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ओके. और बताएं, एंड फील फ्री टू पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे हमसे ज्यादा आपको भी बोलने का मौका मिलेगा. तो ये मौका मिला है तो फील फ्री टू पार्टिसिपेट ओपनली. ओके, ठीक है. हाँ, मेजॉरिटी फर्स्ट मेजोरिटी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, बिल्कुल ठीक है. अटेम्प्ट कराची एक लाहौर वाले, हमने पिछली दफा भी यही बात की थी कि लाहौर वाले इधर ही रह जाते हैं, लेकिन जो दूसरे शहरों वाले हैं वो फिर भी आ जाते हैं. लाहौर वाले यूजुअली दे प्रेफर टू ज्वाइन ऑनलाइन एंड स्टे एट होम, बट सिंध, कराची, कोयटा, बलोचिस्तान, ठीक है, आप लोगों की मेजोरिटी है, ठीक है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों के लिए व्हाट मोटिवेट्स यू टू टुवर्ड्स सीएसएस इन योर केस फॉर एग्जांपल. क्या क्यों करना चाहते हैं इसे, क्या लगता है आपको, व्हाट और मोटिवेट्स? बी ऑनेस्ट अबाउट योर रीजन. वो रीजन मत बताइएगा जो हम लोग एफपीएससी के पैनल को इंटरव्यू में बताते हैं. सोशल रिकॉग्निशन, ओके, ठीक है, बी ओपन, नो जजमेंट्स. जी, आप लोग मैथ्स करने के बाद सीएसएस की वजह क्यों महसूस हुई? सवेरा के लिए पावर लड़कियों कितना वो होता नहीं जाते कि जो कर सकते हैं बाकी, तो एक ये ऐसी और साइड है कि आप फिर मॉम की केस आप पास कर देते हैं तो इससे ना फिर आप ये बैग अपन कुछ नहीं ऐसे बोलने ठीक है जी. सोशल मीडिया
ठीक है, और आप तो आपने भी पुलिस में जाना है? ठीक है, मेरे अब्बा पुलिस में थे और मैंने तौबा कर ली थी मैंने नहीं जाना। ठीक है, ओके, सरकारी नौकरी करनी है। हाउ अबाउट एफ एस पी? ठीक है, ये तो आर्गुमेंट बात की है ना, अभी पहले शुरू तो कर लें। इट्स योर फर्स्ट डे, हाउ अबाउट एफ एस पी फॉर गर्ल्स? नहीं, और बताएं। एम टू सर्व द सोसाइटी एट अ बिगर लेवल विद पावर एंड ओके, परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों के इंट्रोडक्शन आ गए एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस सेशन के आप यहाँ क्यों हैं और हम यहाँ पे क्यों हैं। एंड आई विल लाइक टू बिगिन विद जस्ट दिस के ये करने का मकसद या ये इनफैक्ट पूरा सी पी आई स्टार्ट करने का मकसद हम लोग आज दिन में आपस में भी डिस्कशन कर रहे थे, वो सिर्फ यही था कि आई हैड स्टार्टेड इट इन 2021 राइट आफ्टर माय अटेम्प्ट। फरवरी में मेरी अटेम्प्ट थी, अप्रैल में हमने एक छोटा सा ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट कर लिया था और हम उस टाइम पे छः छः बच्चों को लेके बैठे होते थे आज स्टूडेंट्स इन टोटल, और ऑल ऑफ आर फैमिलीज यूज टू थिंक ये बेवकूफ़ हैं जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन के और सी एस एस की अटेम्प्ट दे के ये काम कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल, दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे आर नॉट बेसिकली कुछ बहुत नहीं उखाड़ रहे। हाउ एवर एक जो वजह थी विच वॉज द बिगेस्ट थ्रस्ट फॉर माई ओन सेल्फ एट दैट टाइम वॉज दिस के मेरी अटेम्प्ट का ब्लो बड़ा रिसेंट था एंड आई हैड ऑब्जर्व के इन माई पर्सनल केस लाइक अ लॉट ऑफ केसेस डिस्पाइट हैविंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी एंड गोइंग टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है इतनी डिफरेंट प्लेसेस पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्पेशली आई डिड नॉट बिलोंग टू लाहौर एंड इट वॉज अ ह्यूज डील फॉर मी कि मुझे बार बार ट्रेवल बैक एंड फोर्थ करना पड़ रहा है। तो वाई इज इट नॉट ट्रू कि मुझे एक जगह से वो सारी चीजें मिल जाए जो कि मिलनी चाहिए सी एस एस को कॉन्शियसली अटेम्प्ट करने के लिए फॉर अ परफेक्शनिस्ट लाइक माई सेल्फ, कि मैं चाहती थी कि मेरी पहली ही अटेम्प्ट में कोई कमी ना रहे। आई शुड बी एब्सोल्युटली श्योर मुझे बार बार अटेम्प्ट नहीं देना है। तो ऐसा क्यों है कि मुझे एसे के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, पाक अफेयर्स मुझे कहीं और से पढ़नी पड़ रही है, टेस्ट सेशन के लिए मैंने कहीं और एनरोल किया हुआ है और उसके बाद वापस आके देखा तो फिर एसे के लिए तीन और जगहों पर एनरोल करना पड़ रहा है। ठीक है, सो द होल पर्पज वॉज दिस कि एक ऐसा स्टूडेंट सेंट्रिक भी चीज हो वेयर देयर शुड बी अ फ्यू यंगर पीपल जो कि यंगर पीपल के साथ उनके लेवल पे आके बात कर सके, वो अप देयर ऑन द पेडेस्टल ना बैठे हों जहां पे वो आउट ऑफ रीच हों, जिन तक पहुंच ही ना हो सके। और दूसरी चीज ये कि समबडी शुड फाइनली ट्राई कि वो ऐसे टीचर्स का ऐसे रिसोर्सेज का एग्रीगेट कर ले जो कि एक्चुअली सी एस एस के अंदर बेस्ट रिसोर्सेज का एग्रीगेट है। ठीक है, इस सिस्टम में मैं खुद सबसे जूनियर हूँ। ठीक है, मेरे से ज्यादा सीनियर ही हैं जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर या जितने भी हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं। वहां से फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग हम लोग अपने छोटे छोटे लैपटॉप्स लेके रखे बैठे होते थे, पढ़ाते थे। इट हैज बीन टू ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस ईयर ऑफिशियली, और अल्हम्दुलिल्लाह लेके चीज को स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट्स का एक हियरिंग पॉइंट, एक वॉइस उनको मिल जाए, उनका वो पेन पॉइंट खत्म हो जाए, उनको वो सारी की सारी चीजें इकट्ठे मिल जाए जो कि उनको दरकार हैं टू बी एबल टू एस दिस इन एब्सोल्यूट परफेक्शन। फॉर द पास्ट 1 to 2 years जो हम ऑपरेशनल रहे हैं, आई वी हैव ऑल्सो बीन वेरी प्राउडली एंड वेरी हैप्पीली एबल टू प्रोड्यूस सम सच ऑफिसर्स एज वेल जो कि ना सिर्फ एलोकेट हुए बल्कि हैप्पीली और रिलैक्स्ड वे में एलोकेट हो गए विदाउट हैविंग टू गो थ्रू ऑल दैट झंझट जो कि आपको एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह पे जाकर होती है। दैट वाज द ओनली थिंग एंड कीपिंग दैट इन माइंड ही हमारे पास ये चीज अचीव हो चुकी है कि द स्टूडेंट्स हु कम हियर उनको फिर दूसरी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो नहीं जाते। एंड ये बात करने का मतलब क्या है कि नाउ दैट दिस इज अश्योर्ड, ये चीज जहन में काइंडली रखिएगा, from this day onwards this place is going to be your second home, especially campus ke students jo hain, aap logon ko yahan pe jitni der baithna pade aap baithein,
आपको पढ़ा नहीं जाता घर पे, यू हैव द फैसिलिटी ऑफ अ लाइब्रेरी, आपके पास लाइब्रेरी की फ्री फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है आपके पास, हम लोग ऑल द टाइम अवेलेबल हैं, कोई भी कम वट एवर में हम यहीं पर होते हैं. एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा काउंसलिंग, लेक्चर्स, वट एवर, यू आर बींग सीन, यू आर बींग हर्ड, एंड नॉट जस्ट दैट, यू आर ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल थिंग्स, जो कि हमें लगा था जब हम स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट को सारा कुछ होलिस्टिकली जो चाहिए होता है वो ये चीजें होती हैं. सो ओन दिस प्लेस, इसको अपना घर समझ के रहें, जो जो आपको चाहिए होता है फील फ्री टू आस्क अस अबाउट इट, एंड आई पर्सनली विल मेक श्योर कि चाहे उसके लिए कितना भी पेन लेना पड़े लेकिन वो आपके लिए मुयस्सर हो. ठीक है, यहीं से हम इस चीज का आगाज करेंगे, कीपिंग दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन माइंड दैट यू आर द पीपल जो कि इस पूरी चीज के सेंटर पर हो. ठीक है, अभी मैं सर की तरफ जाऊंगी, वो आपसे कुछ फिर अब CSS रिलेटेड चीजों को ज्यादा डिस्कस करेंगे. आई विल ट्राई कि व्हाइल दैट इज आल्सो बीइंग डन, आपके लिए एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन का मीडियम मेरे जरिए मौजूद हो, एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं आई विल आल्सो बी हियर टू आंसर देम. जी प्लीज. थैंक यू. अच्छा मैडम के साथ ना पीपल फील एट होम, राइट? मेरे से थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि मैं ना बातें करता हूँ सीधी, और मुझे लगता है कि बातें ना सीधी होनी भी चाहिए क्योंकि लोगों स्टूडेंट्स को अगर हम सीधी बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ना अंडरस्टैंडिंग करनी थोड़ी सी आसान होती है. मैं कुछ ब्लंट बातें भी करूंगा आपके साथ, राइट? वो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपने शायद पहले ना सुनी, बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आपने सुनी हो. मैं इनकरेज आपको क्या करूंगा, मैं इनकरेज ये करूंगा कि जहां पर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती आप मुझसे राइट अवे क्वेश्चन करें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑनलाइन हमारे पास बैठे हैं, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस आती होती है आप लोग मुझसे सवाल करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. बड़ी सिंपल सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें. यहां पर CPI के अंदर ना हमने एक काम नहीं करना और एक काम करना है. एक काम हमने जो नहीं करना ना, हमने आपको CSS या PMS में पास नहीं करवाना, और जो काम हमने करना है ना वो हमने आपको CSS और PMS में एलोकेट करवाना. ये दो डिफरेंट चीजें. कंपेटेटिव एग्जाम्स को पास करना एक डिफरेंट आइडिया है, कंपेटेटिव एग्जाम्स में एलोकेट होना एक डिफरेंट आइडिया है. ये आपको बात पता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त 600 नंबर आपके कंपल्सरी हैं और 600 नंबर आपके ऑप्शनल हैं, राइट? यानी टोटल 1200 नंबर आपके पास है. वो जो 600 नंबर आपके ऑप्शनल हैं उसके लिए आपको 55 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. उन 55 सब्जेक्ट्स में से आपने कोई भी 600 नंबर अपने पास रखे आपके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, यहां तक बात कह रहे हैं. लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपको इंटरव्यू की कॉल तब आती है जब आपका ओवरऑल एग्रीगेट 600 प्लस होता है. यानी अगर आपके मिनिमम 600 स्कोर है और आप सब में पास हैं तो तब आपको जाके इंटरव्यू की कॉल आएगी, वरना इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर है 700 लेकिन खुदा ना खास्ता एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आप फेल हैं, राइट? सब में फेल है. आपका स्कोर है 599 और आप सब में पास हैं लेकिन खुदा ना आप ये ऐसा सिचुएशन के अंदर फिर भी आप फेल ही हैं क्योंकि आपका मिनिमम 600 पूरा नहीं हुआ, राइट? और आप सब में पास भी नहीं हुए. मेरी बात समझ आती है? तो ऐसे मौके को अंडरस्टैंड करने के लिए पास तो आप 600 पे भी हो जाएंगे लेकिन एलोकेशन नहीं होगी 600 के ऊपर. उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है. उसकी रीजन ये है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास टोटल एट द एंड ऑफ द डे 200 आपके पास सीट्स आती हैं. अगर मैं इमेजिन कर लूं कि आपके पास 225 सीट्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने एलोकेट होना है, उन 225 सीट्स के लिए ऑन एवरेज हर साल तकरीबन 350 से 400 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो पास होते हैं. मेरी बात समझ आती है? तो 400 स्टूडेंट्स अगर पास हुए हैं, अगर ऑन एवरेज में बात कर लूं, राइट? तो 225 सीट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 175 स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पास होके इंटरव्यू भी पास करके नॉन एलोकेटेड रह गए. मेरी बात समझ आती? और फिर उनके और उन स्टूडेंट्स के दरमियान कोई फर्क नहीं है जो रिटर्न में फेल हो गए. आप भी बैक टू जीरो ही हैं. ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम के अंदर आपको कहेंगे कि जी आपने पिछले साल को इंटरव्यू रिटर्न पास कर लिया था और इंटरव्यू पास कर लिया था तो इस दफा चले आप ऐसा करें आपका रिटर्न हमने माफ कर दिया इंटरव्यू में आ जाएं. ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू रन अगेन. मेरी बात समझ आती है? इसलिए अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है कि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे जीतना है. और जीतने के लिए क्या करना है एट द एंड ऑफ द डे, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है.
फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चीजें क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैं जितने पिछले 6 साल से 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ उनके अंदर मैंने ये चीज जरूर देखी है स्टूडेंट्स के अंदर कि स्टूडेंट्स तैयारी का स्टार्ट करते हैं अपने रिटर्न के परस्पेक्टिव से कि जी रिटर्न पास करना है बाकी बाद में देखी जाएगी क्योंकि पता नहीं मैंने पास करना है या नहीं करना, अभी सिर्फ रिटर्न पे फोकस करो। ऐसे सिनेरियो के अंदर जब वो रिटर्न पास कर जाते हैं ना और इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो वहां जाके फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि जब रिटर्न पास कर लिया तो फिर क्या करना है हमने। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये समझाता हूं कि मेरी बात सुने, अपने विजन को ब्रॉड रखें। अपने विजन को ब्रॉड रखेंगे ना तो आपकी तैयारी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऐसी रहेगी कि आप जब रिटर्न पास कर जाएंगे ना तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको फ्रॉम द जीरो फिर दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आती? तो ऐसे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे एलोकेशन लेनी है, हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे। राइट, आपके जहन में जो जो सवाल आते हैं आप मुझसे जो अंडरस्टैंड करने की, आप उसे पूछने की आपके पास इजाजत है, आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आता हूं जरा टू द पॉइंट आइडिया की तरफ। ये आपको बात पता है कि आपके पास टोटल 1200 स्कोर है जिसके अंदर से आपने जो है ना टोटल नंबर लेने हैं। इंटरव्यू का 300 स्कोर अलहदा होता है। राइट, वो उसके अंदर बाद में हम उसकी तरफ जाएंगे कि इंटरव्यू में क्या करना है। अल्लाह खैर कर आप इंटरव्यू तक पहुंचे उसको भी बताएंगे कि उसमें क्या करना होगा। अभी हम सिर्फ रिटर्न के पोर्शन पे फोकस करते हैं। सो मेरे पास 1200 नंबर है, 600 नंबर कंपलसरी है जो कि सबका कॉमन है, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, 100 नंबर की प्रेसी का पेपर है, 100 नंबर का पाकिस्तान अफेयर्स है, 100 का करंट अफेयर्स है, 100 का इस्लामिया, बाकी 600 हर बंदे के ऑप्शनल डिफरेंट हो सकते हैं। किसी ने पॉलिटिकल साइंस रख लिया, किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस रख लिया, किसी ने जेंडर रख लिया, किसी ने यूएस हिस्ट्री रख ली, किसी ने यूरोपियन रख ली, किसी ने क्रिमिनोलॉजी रख ली, किसी ने इंटरनेशनल लॉ रख लिया, आपकी मर्जी। सो आपको 1200 में से अगर एलोकेट होना है तो, और एलोकेट होने के लिए भी मैं आपको और आसान करूं, अगर आपने टॉप 3 पोजीशंस में आना है, टॉप 3 डिपार्टमेंट्स में, टॉप 3 डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि अगर आपने पीएस में आना है जिसको हम पुराना हम डीएमजी कहते थे, दूसरे नंबर पे पुलिस और तीसरे नंबर पे फॉरेन सर्विस, अगर इन 3 डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन लेनी है ना तो 720 स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। अगर आप रिटर्न में 720 मिनिमम स्कोर करते हैं तो मेरी बात आज लिखवा लें, मेरे से उस पर साइन करवा लें। राइट, अगर आप इतने नंबर लेकर जा रहे हैं ना इंटरव्यू में, इंटरव्यू में जाके अगर आप बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारें तो आपकी टॉप 3 डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन कहीं नहीं गई। मैं जब कहता हूं ना ब्लंडर ना मारें, उसका मतलब ये होता है कि हर साल इंटरव्यू का जो एवरेज स्कोर आता है वो 125 से लेकर 145 आता है। अगर आप इस एवरेज में भी रहते हैं ना, जो एवरेज स्कोर है, तब भी आपकी टॉप 3 डिपार्टमेंट्स की एलोकेशन कहीं नहीं गई। राइट, आप इससे जितना नीचे आएंगे ना आपको इससे उतना ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आती? इंटरव्यू की जो गेम है ना ये लक की गेम है। उस दिन उसने ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे आता था, मेरा नंबर हो गया। उसने खुदा ना खास्ता मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। राइट, तो भाई फिर मैं लक पे चल रहा हूं। मेरी बात समझ आती है? अगर मैं जेब में इतने नंबर लेकर जा रहा हूं ना तो मेरी बात को याद रखिएगा, मैं इंटरव्यू में 5 से 7 सवाल ड्रॉप करना अफोर्ड भी करता हूं। बात समझ आती है? जब 5 से 7 सवाल ड्रॉप करना अफोर्ड करता हूं, वो तब अफोर्ड करता हूं जब मेरे इतने जेब में नंबर हो 720। मेरे जितने नंबर 720 से कम होते जाएंगे ना उतने सवाल ड्रॉप करना अफोर्ड भी नहीं मैं करता। फिर इंटरव्यू के अंदर मेरे 650 स्कोर आया हुआ है 650, तो फिर मुझे इंटरव्यू को 200 प्लस लेकर जाना है, और 200 प्लस पूरे बैच में 2 से 3 लोगों से ज्यादा किसी का नहीं आता, वो भी बहुत एक्सेप्शनल इंटरव्यू होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल इंटरव्यू। राइट, तो उसकी गेम बात की है। इतनी अगर आप नंबर जेब में लेकर जाते हैं ना तो इतने नंबर आप अफोर्ड करते हैं इंटरव्यू के अंदर। ये लक की गेम है, इसके हम बाद में जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज की तरफ लेकर चलता हूं। मुझे बात ये भी पता है कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है या आपको इस सिस्टम को समझा हुआ है तो आपको ये बात पता होगी कि ये 720 लिखना जितना आसान है ना लेना उतना ही मुश्किल है। मेरी बात समझ आती है? ये भी मुझे पता है इस चीज के बारे में। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान करता जाता हूं चीजें। मुझे ये बात पता है कि मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने अपीयर होना है जिनके। अगर मैं हर सब्जेक्ट के अंदर ऑन एवरेज 60 नंबर स्कोर करूं ना तो मैं 720 पे पहुंच जाऊंगा। अब यहां से स्मार्ट तैयारी शुरू होती है मेरी कि मुझे हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर करने हैं। मेरी बात फॉलो हो रही है?
60. मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि मैं हर सब्जेक्ट में ऑन एवरेज 60 60 60 60 नंबर स्कोर करता जाऊं, आपके किसी सब्जेक्ट में 70 से ज्यादा ना हो और हर सब्जेक्ट में 60 नंबर हो ना तो फिर भी 720 है आपका। मेरी बात समझ आती है? इसीलिए मैं हमेशा यह बात करता हूं कि सीएसएस हार्डवर्क तो होता ही होता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ सीएसएस स्मार्ट वर्क होता है। आपको स्मार्टली तैयारी करनी होती है चीजों के बारे में, अंडरस्टैंड करके कि मुझे 60 नंबर एक पेपर में लेने कैसी है, मुझे एग्जामिनर से नंबर लेना कैसे है। मुझे यह भी पता है कि मुझे 4 नंबर 4 सवाल करने हैं अपने लेंथी, राइट। अगर मैं उसमें ऑन एवरेज 12 नंबर स्कोर करूं तो मैं 48 हूं और 12 नंबर मेरे आ जाएंगे एमसीक्यूज ऑन एवरेज, मैं फिर 60 पे पहुंच जाऊंगा। मुझे यह अंडरस्टैंड करना है कि मुझे एक सवाल में 12 नंबर कैसे लेने हैं, 12 नंबर लेने के लिए एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है, और मुझे 12 नंबर स्कोर करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, मुझे कितना लिखना है, मुझे कितने पेजेस लिखने हैं, मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मुझे कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह हमने आपको समझानी है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं अगर आज आपके सामने कोई चीज बोल रहा हूं और मैं लाइव ऑनलाइन जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी रहेगी हमारे पेज के ऊपर, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट, आपके पास बुक रिव्यूज, न्यूज़पेपर एनालिसिस, राइट, हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल, हाउ टू स्केड्यूल योर स्टडी फ्रॉम मई टिल फरवरी, हम सबके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे आप। हम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहां पे खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि हम सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, राइट। मैं आपको तैयारी करने का तरीका बता देता हूं जो हमारे यहां पर तमाम टीचर्स करते हैं और उनको हमने ये बात समझाई हुई, और एट द एंड ऑफ द डे टीचर आकर हमें, राइट, जब मैं हमें की बात करता हूं, मुझे और मैडम को आकर ये बात पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपने ना स्टूडेंट्स को बिगाड़ा हुआ। जब स्टूडेंट्स को बिगाड़ा हुआ का मतलब पता क्या है, हमारा तरीकेकार क्या है कि मैं पिछले 20 साल के पास पेपर से निकालता हूं एक टॉपिक के जो मैं पढ़ाने लगा हूं। मैं आपको पढ़ाने लगा हूं पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, मैं पिछले 20 साल के पास पेपर्स निकालूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान यूएस पे ये सवाल आए हैं 10। मेरी बात समझ आती है? और ये सवाल हैं जो आगे आ सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि इन 10 सवालों का जवाब क्या था और इन 4 सवालों का जवाब हो क्या सकता है। मुझे आपको टॉपिक नहीं पढ़ाना, मुझे आपको सवाल सॉल्व करवाना है। मेरी बात समझ आती है? और यही सबसे बड़ी गलती करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट जब पेपर अटेम्प्ट करता है सीएसएस का या पीएमएस का, वो टॉपिक सॉल्व करता है, सवाल नहीं सॉल्व करता। वो बाहर निकल के दूसरे से पूछता है, तूने सीपैक का सवाल किया है? वो कहता था हां मैंने किया है। पाकिस्तान इंडिया किया तूने? हां मैंने किया पाकिस्तान इंडिया। वो क्योंकि वो टॉपिक ढूंढ रहा होता है, उसने वो फेमिलियर वर्ड्स अपने जेन में डाले हुए होते हैं, वो बस वो सवाल में ना वो फेमिलियर वर्ड्स ढूंढ रहा होता है, उसको वो फेमिलियर वर्ड नजर आ जाता है ना, जब वो कहता है ये सवाल मुझे आ रहा है, राइट। वो ये नहीं देखता कि उसने उसमें पूछा क्या है, वो उसमें मुझसे एनालाइज करने के बारे में बात कर रहा है, इवैल्यूएट करने के बारे में बात कर रहा है, राइट। वो हमसे मुझसे असेस पूछ रहा है, मुझसे क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है, मुझसे एक्सप्लेन पूछ रहा है, मुझसे कमेंट पूछ रहा है। मेरी बात समझ आती है? वो मुझसे डिस्कस पूछ रहा है। ये लफ्ज सबके सब डिफरेंट है। अगर मैं आपको ये कहूं डिस्कस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, राइट, और मैं कहूं कि एवेलुएट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, असेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एवेलुएट, राइट। तो मेरा स्टूडेंट पता क्या करता है? मेरा स्टूडेंट ना क्रिटिकली एवेलुएट, एनालाइज, कमेंट, उस पर हाथ रख के ना सिर्फ सीपैक देख लेता है और वो एक सवाल शुरू कर देता है। उसको नहीं पता कि अगर मैं क्रिटिकली एनालाइज की जगह क्रिटिकली इवैल्यूएट लिख देता तो सवाल में डिफरेंस क्या था। उसको ये किसी ने नहीं बताया कि अगर मैं कमेंट लिख दूं या एक्सप्लेन लिख दूं तो एक्सप्लेन और कमेंट में फर्क क्या होता है। उसको किसी ने नहीं बताया कि अगर सवाल के एंड पे डिस्कस लिखा हुआ हो तो सवाल के अंदर पूरी की पूरी आउटलाइन कैसे तब्दील होती है। उसकी रीजन ये है कि एवरीवेयर एवरीवन, राइट, विदाउट नेमिंग एनीवन, पीपल आर डिस्कसिंग टॉपिक्स, दे आर नॉट लेटिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बात समझ आती है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, सर हमें यह समझ नहीं आ रही कि सर आज है मेरे पास 6 मई, मैंने सर फरवरी में पेपर देने हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने तैयारी कैसे शुरू करनी है, मैं सर जीरो हूं, राइट, और मैं आ गया हूं आपके पास। अब आप मुझे बताएं कि मुझे फरवरी तक तैयारी में क्या करना है। मेरी बात समझ आती है? ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जीरो तैयारी करके। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, जिनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स के बारे में, राइट। ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब हम यहां पर एक क्लास करवाएंगे ना आपको, हाउ टू मेक अ स्केड्यूल, राइट, तो उसके अंदर मैं आपको एक तरीका समझाता हूं जो आपने खुद अडॉप्ट करना है। मेरा मशवरा मानिएगा, ये मैं आपको अपने 7 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूं। कभी CSS की या PMS का इम्तिहान का स्केड्यूल बनाते हुए ना, हफ्ते से ज्यादा का स्केड्यूल नहीं बनाना। हमारी आदत पता क्या होती है? हमारी आदत होती है कि अब मैं स्केड्यूल बनाने लगा, अब मैं बताऊंगा कि मैंने पूरे महीने में करना क्या है। बात समझ आती है? मैंने पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन मैंने ये करना है, तीसरे दिन मैंने ये करना है। जिसमें बचपन में कहते थे 8 AM अप, 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:40 मैंने कार्टून देखने, 9 o'clock पे मैंने जनाब स्कूल चले जाने, 12:30 पे मैंने अपना लंच करना है, वापस आ जाना है, फिर मैंने स्लीप ब्रेक लेनी है। ऐसे करता बच्चा आज भी, राइट। और आपको ये भी बात पता है कि वो स्केड्यूल हमारा कभी फॉलो नहीं होता था, कभी नहीं होता था। और स्टूडेंट का स्केड्यूल अभी भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट पता क्या करता है, स्टूडेंट ना अनरियलिस्टिक स्केड्यूल बनाता है, महीने का स्केड्यूल। मैं आपको बात बताऊं, एज अ इंसान, नॉट एज अ पाकिस्तानी, हर इंसान का यह मसला है। हमारी आदत है प्रोकेस्टिनेट करने की, हर चीज में प्रोकेस्टिनेट करने की। महीना पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे कल कर लेंगे। अच्छा यार आज पढ़ना था, यार आज दोस्तों के साथ चला जाता हूं, कल डबल पढ़ लूंगा। क्यों भला? क्योंकि आपने महीने का स्केड्यूल बनाया है, आपने स्केड्यूल बनाना है छोटा हफ्ते का। उस हफ्ते के स्केड्यूल के अंदर होता यह है कि आपके ना सर पे तलवार लटक रही होती है कि मैंने ना इस पूरे के पूरे हफ्ते के स्केड्यूल को बीट करना है, राइट। और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास मेरे जैसा कोई बंदा हो जो सर पे डंडा लेके बैठा हुआ हो ना, ठीक है, जिसने आपसे ये पूछना है हर हफ्ते बुला के आपको कि हाँ भाई पूरे हफ्ते के अंदर क्या किए, ठीक है, जिसका बड़ा सिंपल सा असूल है कि मैंने हर हफ्ते टेस्ट लेना है आपसे, मेरे 3 टेस्ट आपने मिस किए ना, 4th टेस्ट में आपको नहीं बैठने दूंगा मैं, ना क्लास में बैठने दूंगा, मेरी मिनते करना, मेरे पाँव पड़ना मैं नहीं बैठने दूंगा, मुझे कोई फायदा नहीं है मैं यहाँ खड़ा होकर गला सुखाऊ, राइट। और कोई बंदा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो घर जाके रिवाइज नहीं कर रहा, वो मेरे टेस्ट में आके नहीं बैठ रहा, मुझे कोई फायदा नहीं। फिर आप लोगों को जाके होश आती है सितंबर अक्टूबर में जाके कि अब तो टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, अभी तो मैंने MPT भी देने अक्टूबर के अंदर, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने जो चीजें डिस्कस करनी है ना क्लास के अंदर, उनको हम स्टेप बाय स्टेप चीजें डिस्कस करें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बात करता हूँ, CSS मैराथन दौड़ होती है, स्प्रिंट नहीं होती। यूसेन बोल्ट नहीं बनना आपने, मोहम्मद फरा बनना है, राइट। तो आपने उसके मैराथन की तरह दौड़ना है, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स, हर रोज छोटा छोटा। आज एक लर्निंग हो गई, कल हो गई, परसों हो गई, जिस दिन दौड़ने की कोशिश करेंगे ना तेज, बहुत जल्दी थक जाएंगे। जिस तरह न्यू ईयर के ऊपर पहले दिन ही जिम पहुंच जाता आधा पाकिस्तान, कि आज मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे अच्छा खाना है और अच्छा बनना है। तीसरे दिन चौथे दिन जनाब नया नया वजन उठा के तीसरे चौथे दिन जनाब यहाँ पे खलियां पड़ गई, पांचवें दिन ब्रेक ले रही कि चलो आज मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद पूरा साल ही ब्रेक है, ठीक है। पंप अप होते हैं स्टूडेंट हर रोज, आज भी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि आज से हमारी CSS की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो रही। मेरी बात समझ आती? सो इस चीज को बड़ा अंडरस्टैंड करें, ये जो चीज है ना, इसको आपने नहीं भूला। मेरी बात समझ आती? अब मैं आपको ये बता रहा था ना कि ये जो स्कोर है ये 60, ये अचीव करना है आपने, यहां तक बात फॉलो हो रही। लेकिन मैं आपको एक और बात बता, मुझे ये बात पता है और आपको भी ये बात पता है कि एसे के अंदर ना 60 नंबर बहुत मुश्किल आता है। मेरी बात समझ आई? एसे में 60 नंबर लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एग्जामिनर 60 नंबर देता ही नहीं है। क्लियर होगी बात? मैं इमेजिन कर लेता हूं, आपके सामने रियलिस्टिक बातें करता हूं, मेरे एसे में आ गए 40 नंबर, मुझे चाहिए कितने थे एलोकेशन के लिए, 60, मेरे आए कितने, 40, मेरा डेफिसिट कितने का है, 20 का, क्लियर। मेरे प्रेसी के अंदर आ गए 50, ठीक है जी, रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, चाहिए कितने थे एलोकेशन के लिए, 60, डेफिसिट कितने का है, 10 का, टोटल डेफिसिट कितना हो गया। मैं पास दोनों में हूं लेकिन एलोकेशन से 30 के डेफिसिट में हूं।
आपको शायद लग रहा है कि ये 30 नंबर ना कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, राइट? अभी जरा अगर क्लास खत्म हुई ना तो मैं आपको शायद दिखाऊं, मेरे दो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पास दो डीएमसीज पड़ी हैं, राइट? तीन स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैं वो, और दो की डीएमसी मेरे पास पड़ी है, तीनों के नंबर मिला के इंटरव्यू एड करके 806 806 806, तीनों के दो उसमें से इनकम टैक्स में थे, एक उसमें से इंफॉर्मेशन ग्रुप में था, तीनों के नंबर सेम है, दो इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर है और एक इंफॉर्मेशन ग्रुप में गया हुआ है। अगर सबके नंबर बराबर होना तो फिर एज वाइज एलोकेशन हो जाती है, वो एज देखते हैं किसकी एज किसकी ज्यादा है इसके अंदर से। मैं तो 30 नंबरों की बात कर रहा हूं, वहां एक नंबर का मसला था सिर्फ, वो एक नंबर किसी का 807 होता 806 की जगह तो फिर वो कहां पे होता एलोकेट इनकम टैक्स में। एक नंबर की अहमियत ना आप उस शख्स से पूछें जो एक नंबर से ना, एक नंबर से डीएमजी से कस्टम में चला गया, एक नंबर से डीएमजी से किधर चला गया वो कस्टम में, राइट? एक के 901 थे वो डीएमजी में था, एक के 900 थे वो कस्टम में था। दैट इंडिविजुअल इज विलिंग टू ट्रेड एवरीथिंग फॉर दैट वन नंबर, एवरीथिंग। मेरी बात समझ आती है? आपके पास 10 ऐसे सब्जेक्ट्स होने हैं जिसमें आपने चार चार सवाल करने हैं, 10 सब्जेक्ट्स में चार चार सवाल। अगर आप वो टेक्निक्स यूज करते जाएं जो हमने आपको समझानी है, 40 सवाल बनते हैं, उन 40 सवालों में एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा लें ना आप, तो 40 नंबर हैं। मैं एक नंबर से डीएमजी से कस्टम की बात कर रहा हूं, मैं आपको यहां पे 40 नंबर बता रहा हूं। 40 नंबरों के अंदर 100-100 पोजीशन हुई होती है। अगर 806 पे तीन बंदे बैठे हुए हैं तो हो सकता है 805 पे पांच बंदे बैठे हुए हों। 100 नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 40 नंबरों में 100 पोजीशंस फर्क हो सकती है। सो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त आपको हर उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, हर नंबर के लिए लड़ना है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी लड़ना पड़ेगा आपको। हम आपको यहां तक भी बताएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई पेपर कौन सा इस्तेमाल करते हैं सीएसएस की पढ़ते वक्त, किस पेपर पर लिखना है आपने तैयारी करते वक्त, कौन से पेन से आपने चीजें करनी, क्योंकि हमारी आदत होती है, जिस तरह मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, यहां पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स है, अगर किसी के पास पेन ना हो ना साथ वाले से मांग लेता यार पेन नहीं, ठीक हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो आप बात कर रहे हो ना ये मेरी आदत भी, सबकी आदत, 99% लोगों की आदत यही है, क्योंकि हमारे हाथ में ना एक पेन सेट नहीं होता इस तरह, क्योंकि हमें बार बार पेन बदलने की आदत होती है, वो यहां पर ना दाना सा बन जाता उंगली के ऊपर, बार बार डिफरेंट डिफरेंट पेन पकड़ के जोर जोर से लिख के, क्योंकि एक पेन पकड़ के आदत ही कभी नहीं हुई हमें, हमने एक पेन फाइनल करना है और हमने 8 महीने उसी से लिखना है, फिर वो मेरे हाथ पे इतना सेट होगा कि मुझे पेपर के अंदर ना उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही पेपर इस्तेमाल करूंगा जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में होता है, ताकि मुझे उसी पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस आए, मुझे पता चले कि स्पीड में 8 सफे लिखते कैसे हैं इसी कलम से इस तरह के पेपर के ऊपर। मुझे हर हफ्ते आपका टेस्ट लेना है यहां पर, मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है आपको 5 days a week, छठे दिन टेस्ट होगा आपका वो सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आपने 5 दिन में पढ़े हैं। दिस इज नॉट बेसिकली जस्ट द आइडिया कि जस्ट टू टीच यू हियर, यकीन कीजिए यहां पर खड़े होके बोल के वापस चले जाना अपने दफ्तर में बहुत आसान काम है। लेकिन प्रॉब्लम पता कब आती है, जब स्टूडेंट आके कहता है कि सर समझ नहीं आई लिखना कैसे, राइट? तो हमें फिर उसकी प्रैक्टिस भी करवानी है। मैं आपको इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं, ये पेन के लिहाज, राइट, ये चीजें अंडरस्टैंड करने, किसी के सर बॉल पॉइंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा करना है, अच्छा सर नंबर टू पेपर जब हमने अटेम्प्ट करना है तो हेडिंग कैसे बनानी है, अच्छा हेडिंग के लिए ना ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छा सर एक तो मेजर हेडिंग हो गई, सब हेडिंग कैसे बनाते हैं उसकी, ऐसे बनाते हैं सब हेडिंग, सर मार्कर्स का कैसे इस्तेमाल करना है मेजर हेडिंग्स के अंदर, अच्छा सर कोटेशन कैसे लिखनी है, कोटेशन कहां पर आनी चाहिए कहां पर नहीं आनी चाहिए। एक अच्छा प्रेजेंटेड पेपर, राइट, आपके नंबर बढ़ा भी सकता है, और एक बुरा प्रेजेंटेड पेपर एग्जैक्ट सेम बातें लिखी हुई हो ना आपने जो उसने लिखी थी अच्छे वाले ने, नंबर नहीं देगा वो, क्योंकि पेपर प्रेजेंट अच्छा नहीं हुआ 93%, यकीन करें कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी आइडिया करती, 7% इट मैटर्स व्हाट यू से, 93% इट मैटर्स हाउ यू से इट, राइट? एक लफ्ज को एक्सप्लेन करने के, समझाने के बहुत तरीके हैं। मुझे कोई कोटेशन आती थी, मुझे कोई फैक्ट पता था, मुझे कोई आर्गुमेंट पता था, मैंने उसको प्रॉपर प्रेजेंट किया एग्जामिनर के सामने, मार्कर्स लगा के हेडिंग्स बना के,
राइट, एग्जामिनर की नजर पड़ी, उसने पेपर खोला, उसको ठक नजर आया वहां पे सारा कुछ कि ये लिखा हुआ है। मैंने कोई हेडिंग नहीं डाली, मुझे कुछ नहीं लिखा, मैंने सब एक बड़े पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। एग्जामिनर की जिंदगी आपने मुश्किल कर दी है, उसने 25,000 पेपर चेक करना है, आप उसकी जिंदगी मुश्किल करेंगे ना, वो आपकी जिंदगी मुश्किल कर देगा। उसको ढूंढना पड़ गया ना अगर आपके पेपर में से, दैट मीन्स कि आपने पेपर अच्छा नहीं लिखा, राइट। और बाहर निकल के सारे ये कह रहे होते हैं कि सर उसको अगर समझ आ गई ना मैंने क्या लिखा है, तो भाई पास है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई ने अच्छा प्रेजेंट नहीं किया पेपर, मेरी बात फॉलो हो रही है। सो दिस इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, इन सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने। 8 months इनफ टाइम टू प्रिपेयर सीएसएस, मैं क्वेश्चंस लेता हूं, मैं सब कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करूंगा। मेरा अपना जाती ओपिनियन है, अगर आपके पास 6 महीने हैं, कम से कम 6 महीने, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर 6 months क्यों? अच्छा, एक बड़ी सिंपल सा आइडिया, आधा साल है ना आपके पास एक काम करने के लिए। अब मुझसे अगर पूछे ना तो 6 महीने क्यों, मुझे भी नहीं पता शायद 6 महीने क्यों, लेकिन 6 months आई पर्सनली बिलीव इज अ वेरी गुड टाइम। मेरी बात समझ आती है? 6 months फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से आप स्टार्ट करना चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर लें, बुक रिव्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट, सब्जेक्ट्स को सिलेक्शन को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के बारे में बात कर लें। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही काम करना बहुत आसान, राइट। हम स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट्स की तरफ भी जाएंगे, मैडम आपको भी बताएंगी स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट्स के बारे में, मैं भी बताऊंगा आपको सब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ओवरऑल एक सिनेरियो पता क्या है, ओवरऑल सिनेरियो उसका ये है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए थोड़ा जुड़ना है ना, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे और मशवरा भी आपको ये है कि ना माइंड बनाएं फिर, और फिर बना लें माइंड। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स, आपने ये सोचना है कि मेरे पास 1 ही अटेम्प्ट है और मुझे इसी में ही पास होना है। क्यों भला, आज मैं तैयारी शुरू करूं ना मई के अंदर, सुने मेरी बात को, मई में तैयारी शुरू करूं, मेरा पेपर कब होना है, फरवरी 24 में, उसका रिजल्ट कब आना है, अक्टूबर 24 में, राइट। फिर उसके साइकोलॉजिकल होना है जो स्टार्ट होना है दिसंबर 24 में, फिर इंटरव्यू होने हैं, इंटरव्यू का रिजल्ट आना है मई 25 में, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है नवंबर 25 में। मेरी बात समझ आती है? मेरे पास ये 1-2 महीने का टाइम नहीं है, मैं अफसर पता कब बनूंगा, आज तैयारी शुरू करके नवंबर 2025 में। और अगर मैंने ये 24 वाली अटेम्प्ट जाया कर दी ना, तो फिर मैं जाऊंगा नवंबर 26 में। मेरी बात समझ आती है? ये कोई छोटा टाइम नहीं है, इसीलिए प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम। इसको ये ना सोचे कि मेरे पास 3 अटेम्प्ट है, जिंदगी में बड़ा कुछ करना पड़ जाता है, बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो फिर आपको टेकअप करनी पड़ती है। आपका प्लान यही चल रहा होता है कि बड़ा टाइम है, अगले साल अटेम्प्ट दे देंगे, कोई नहीं अगले साल, उससे अगले साल दे देंगे अटेम्प्ट, ठीक है जनाब, चल ऐसी रहा होता है। जिंदगी में और बड़ी चीजें होती हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी वाली होती है। मेरी बात समझ आती है? तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट है अनम्यूट होना चाह रहे हैं, उनको जरा अनम्यूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ना चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। मैं एक उसको स्टूडेंट को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम, हाँ जी, हाँ जी, हमने अलाउ किया ना स्टूडेंट्स को खुद ही अनम्यूट करने पे? अच्छा, ठीक, अलाउ करते हैं तो देन दे हैव टू अनम्यूट देमसेल्फ। जी, तो आपका, मैं जो सामने अनम्यूट कर दिए, आपने खुद भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आई एम बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद और मुझे अभी सर प्रिपेयर करना है सीएसएस के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लाइक परेशान हूँ इन अ वे, क्योंकि रिगार्डिंग माई एज फैक्टर, आई एम एट 27 नाउ और मेरी एजुकेशन में बेसिकली गैप था, बट आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड इन सेप्टेम्बर 2022 एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक मेरा माइंड यही है कि मुझे सीएसएस करना है, लेकिन मुझे अब अकेडमी ज्वाइन करनी है, और क्या मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकती हूँ आपकी अकेडमी? बिल्कुल कर सकती हैं मैडम, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 24 के लिए, 24 सीएसएस के लिए हमारा 10th मई से सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। उसके अंदर हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, ये 5 months का तकरीबन जो है ओवरऑल ऑन एवरेज आपका पूरा कोर्स बन जाएगा, जिसके अंदर हम कंपलसरीज को भी डील करेंगे, ऑप्शनल्स को भी डील करेंगे, ओवरऑल होलिस्टिक तैयारी होगी इसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट बेसिकली हम सिर्फ कंपलसरी पढ़ रहे होंगे, ऑप्शन नहीं करेंगे, ऑप्शन भी साथ साथ तैयारी करेंगे, कंपलसरीज भी करेंगे। आपके लिए पूरा टाइम आपको जो है प्रॉपर इसमें दिया जाएगा, अगर आप आना चाहें जरूर आए उसके अंदर।
राइट अगर आपका यही सवाल है तो ये तो सवाल आपको दरमियान में भी डिस्कस हो जाएगा, और कोई सवाल होगा तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा। एक मिनट में और लूंगा, उसके बाद मैडम को हैंड ओवर करूंगा, मैडम आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स सब्जेक्ट्स की तरफ जो अल्टीमेटली लेकर जाएंगे। मैं इन चीजों को जरा आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा था ना, जरा थोड़ा सा मेरे चीजों को अंडरस्टैंड करें कि हमने ना सिर्फ एक डायरेक्शन पकड़नी है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। एनी स्टेप इन रॉन्ग डायरेक्शन ना विल टेक यू फर्दर अवे फ्रॉम योर गोल। आपने राइट जाना था, राइट आप राइट के बजाय लेफ्ट जाना शुरू हो गए हैं, आप किलोमीटर भी दूर जाएंगे ना तो इमेजिन करें आप किलोमीटर आपने वापस आना है, वापस फिर जीरो पे पहुंचेंगे आप, फिर आप आगे को निकलेंगे। इसीलिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको पता हो कि मेरी डायरेक्शन क्या है। उसके लिए खुल के सवाल करें जो आपके जेहन के अंदर आते हैं, वो सवाल आपको जितने मर्जी बचकाना लगे कोई बात नहीं है, राइट आप करें सवाल, हम आपको एड्रेस करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करने की जो है वो कोशिश करेंगे सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की। ये बात अंडरस्टैंड करने के बाद आखिरी चीज मैं आपको समझाऊंगा सिविल सर्विसेज के अंदर तैयारी करते वक्त, राइट हर सब्जेक्ट को ना टैकल करने का तरीका फर्क होगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने अपने सब्जेक्ट्स में कैसे टैकल करवाऊंगा, मैडम आपको बताएंगी अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखें, राइट सवाल आपके जेहन में आए जरूर पूछें, लेकिन ये याद रखिएगा हमने आपको पास नहीं करवाना, हमने आपको एलोकेट करवाना है। और एलोकेट जब होंगे ना इंशाल्लाह आप, तो स्लीपलेस नाइट्स आपको भूल जाएंगे, एंग्जाइटी अटैक्स भी भूल जाएंगे आपको, कितने एंग्जाइटी अटैक्स हुए, कितनी स्लीपलेस नाइट्स थी, कितने लोगों ने डिस्करेज किया, आधों ने कहा तेरे से नहीं होना, ठीक है सब यही कहेंगे। आप एक दफा कामयाब होकर देखें सब वापस आ जाएंगे, ठीक है एक दफा होकर देखें कामयाब, ये जिंदगी का असूल है, ठीक है ठीक है। आप मैडम के साथ, मैडम स्टार्ट करें, ठीक है तो हाँ तो आप ये मैडम डिस्कस करेंगे स्टार्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी हम डिस्कस करते हैं जी, हम स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन भी लेंगे सारी की सारी, ठीक है। और मैं विश आप और जो कुछ आप लोग ज्यादा पूछ रहे थे, लेकिन गुड थिंग इज कि मेरा स्टेमिना वैसे काफी बना हुआ है 1500 कमेंट्स इकट्ठे पढ़ के जवाब देने का। आप जो पूछ रही है ना, जो कि आप में से मेजोरिटी का कंसर्न है कि हमने पहले से तैयारी नहीं की तो अब हम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है इट्स गुड दैट यू आस्क अबाउट इट। लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनली, ये जो मई का मंथ है ना, दिस इज द मोस्ट आइडियल मंथ फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं बताती हूँ क्यों। May is also the month when I had officially started my preparation. मैंने कुछ नहीं पढ़ा था पहले, मैं obviously MBBS की student थी, MBBS के student को दुनिया और दीन का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। Literally we are the most out of touch people in the whole world with the rest of the world, ठीक है। और prior background कोई नहीं था with any of the subjects or any of the domains, ठीक है। तरीका का क्या है कि यही May में जो है आपने preparation start की, आपके पास जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके पास आपके कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों कवर हो गए, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लेक्चर्स टाइम पे कवर हो। उसके बाद क्या है, अक्टूबर इज द मंथ जब आप टाइम लें जस्ट टू कंप्लीट योर नोट्स। एंड बेयर इन माइंड कि ये मई से सितंबर में हम सिर्फ लेक्चर्स नहीं ले रहे, हमने वीकली टेस्ट लाजमी देने हैं, बिकॉज आपने बीच में इतना पीरियड अगर विदाउट एनी रिटन प्रैक्टिस निकाला है ना, देन यू आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू राइट। हमारे पास कल एक स्टूडेंट आया हुआ था जो 2021 से प्रेपरेशन कर रहा है, वो सर का स्टूडेंट था जहाँ पे सर पहले पढ़ाते थे। उससे अभी तक उसका यही कंप्लेंट थी कि सर मैं लिख नहीं पा रहा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। उसका इशू मैंने यही जो है रियलाइज किया था कि दैट इज ओनली बिकॉज आपने वहां पे साथ साथ टेस्ट नहीं दिए या नहीं लिए गए या वट एवर, बट आप लिख नहीं सकते जब तक आप से लिखवाया ना जाए जबरदस्ती बिठा के, ठीक है। ये जो फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ गोइंग फॉर इट है, इट विल नेवर कम थ्रू अनलेस आपसे काम करवाया जाए। यूजली लोग खुद भी रिलक्टेंट हो जाते हैं लिखने से, यूजली टीचर्स भी लिखवाना नहीं करवाते क्योंकि ऑब्वियसली इट इज ईजियर टू डिलीवर द लेक्चर एंड डिसअपीयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अक्टूबर में अपने नोट्स पूरे करें, नवंबर टू जनवरी, दीज वर द थ्री मंथ्स जब मैंने बैठ के सिर्फ और सिर्फ रिटन में टेस्ट दिए, मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तीन महीने बैठ के लग के टॉपिक बाय टॉपिक लाजमी रिटन एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन लिख के करें, क्योंकि देखें आप जब तक
बोल के डिबेट करके बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते हैं ना, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि रिटन का एग्जाम है सीएसएस का एग्जाम. यू माइट बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर, डिबेटर, टिकटॉकर फॉर दैट मैटर. शायद आप बोल के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अभी खुद 3 महीने तैयारी नहीं की होती, यूट्यूबर पे बन के जो है ना लेक्चर दे रहे होते हैं दूसरों को. यू माइट बी वेरी गुड एट इट, यू माइट बी अ राइटर इन डेली डॉन, आई नो ऑल ऑफ दीज पीपल. You will fail only because you did not follow what was the demand of the examiner. Examiner को ना कुछ certain चीजें चाहिए. मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आपने examiner की psyche को crack कर लिया, आपको कभी भी 6 attempts नहीं देनी पड़ेगी. अगर आपने examiner की psyche को crack नहीं किया, आप किसी भी attempt में pass नहीं हो सकते, चाहे वो attempt अच्छी थी बुरी थी, उसमें कोई subject hit हो गया, trend हो गया, doesn't matter. There's a certain mindset of that person, certain prerequisites which you need to understand to be able to crack it for the first time. उन चीजों को ना सिर्फ समझना जरूरी है जो कि बहुत धक्के खा के समझ आए थे, उनको implement करना इसलिए जरूरी है क्योंकि it's a matter of reflexes. आपको हम हमेशा students को सबको equally एक चीज बताते हैं, कोई allocate हो जाता है, कोई बिल्कुल ही रह जाते हैं. The reason is कि जो allocate हो रहा है ना, वो उनको साथ साथ लिखने में implement में आ रहा है. क्योंकि जब तक इसका reflex नहीं बनाना to work under pressure, to think under pressure, under the certain dimensions जो उसे समझा दिए, वो नहीं कर पाएगा. ठीक है. Finally, February में हमारे जो है वो papers हो गए थे. January में obviously इसके साथ एक mocks भी दिए full length के अंदर, ताकि लिख के बैठ के दिन में 2 exam देने की आदत हो. क्योंकि CSS के अंदर आपके एक दिन में 2 papers to 5, जो कि एट दैट पॉइंट आपका नॉलेज का नहीं बल्कि आपके स्पिरिट का, आपके नर्व्स का एग्जाम बन जाता है. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, इतनी सारी रिटन प्रैक्टिस और ये वाले पीरियड की पढ़ाई आपको चाहिए. आई लव द बैचेस व्हिच कम इनटू मे बिकॉज वो बड़े सुथरे सुथरे होकर निकल जाते हैं. ठीक है. इसके बाद जो बैचेस आते हैं ना, उनमें होते हैं 2 disadvantages. एक तो ये कि वो फोमो शुरू हो जाता है, और दूसरा ये कि वो रश ऐसे हो जाता है कि अजीब सा हिसाब हो जाता है. फिर उसमें ये भी होता है कि मेरा दोस्त ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, वो यूं कह रहा है, इतने सारे फलसफी मिलके खराब कर देते हैं. ठीक है. नाउ इज द एप्रोप्रिएट टाइम, हैव फेथ. कि अगर आपने पहले कुछ कभी भी नहीं किया हुआ ना, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट वालों का पता है क्यों ज्यादा बेहतर चांस हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतनी सारी रिटन प्रैक्टिस ना अटेम्प्ट्स कर करके कर ली होती है. जब उनके 2 से 4 साल लग गए हैं ना तैयारी में, तब जाके उनका इतना बेहतर हो जाता है कि चलो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं एलोकेट हो गए. इफ यू आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम विद द राइट डायरेक्शन, तो उसमें क्या हर्ज है? ठीक है. ये चीज अभी मैं उनके साइड पे बैठ कि आपके जो इंस्टाग्राम पे लोग ज्वाइन किए हैं उनके कमेंट्स भी देखते हैं, हमारे पास वाकई अब एक अटेम्प्ट बची है. यू एब्सोल्युटली नीड टू बी क्लियर कि आप अभी से माइंडसेट यही रखें कि आपके पास बची ही एक अटेम्प्ट है. क्योंकि यकीन करें, फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा आता है ना, उसको अम्मी अब्बू का भी प्यार मिल रहा होता है, सारा कुछ होता है. अभी आप अपनी तरफ से जो है ना ऑफिसर बनने गए हैं, बन के ही आएंगे वापस. ठीक है. एट दिस पॉइंट आपको कुछ बिटर रियालिटीज नहीं पता कि किस तरह से ये कम्पिटिटिव एग्जाम ना एक अकेडमी में बैठे बैठे विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू वीक्स ही कम्पिटिशन तय हो जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है. वो इन्हीं छोटे छोटे पैरामीटर से आते हैं. डेली के उसके चंक्स में खुद उसको डिवाइड करें, एंड देन देर इज एब्सोल्युटली नो सच थिंग कि CSS के लिए 2 साल चाहिए या CSS के लिए 3 महीने चाहिए. ऐसा कोई फ्रिंज पे लाइक करने वाला सिस्टम नहीं है. ठीक है. 3 महीने में कोई जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं, आई कैन से दैट क्योंकि मेरे तो दोस्त हैं ये लोग जो एलोकेट होते हैं ऑब्वियसली. 3 महीने में हम रोज 20 घंटे पढ़ के करते थे, ऐसा नहीं होता. एंड आई विल नेवर रिकमेंड anyone टू डू द सेम मिस्टेक कि वो ये सोचे. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली फॉल इन टू दिस फैलेसी कि अगर फलां एलोकेट हुआ है वो 20 घंटे पढ़ के होता था ना, तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा. इतने सारे स्टूडेंट्स इसी बात से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैडम मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहा. तो भाई तुम्हें किसने कहा है कि तुम 10 घंटे पढ़ो? इफ यू आर हिटिंग दिस 4 to 6 hours a day की टाइम लाइन, इट इज इनफ. स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग इन दिस मंथ जिसमें आप अभी बैठे हो. ठीक है.
लेक्चर्स के साथ ये 4 से 6 घंटे कोई बड़ी चीज नहीं होती, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, क्यों कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, एज फार एज आई हैव सीन, लोगों को स्टूडेंट होते हुए भी, लोगों को अपने साथ कॉमनर होते हुए भी, लोगों को फेल होते हुए भी, वजह उसकी ये है या तो आपके 2 साल या 3 साल लग रहे हैं, सही सोर्सेज आपको नहीं समझ आ रहे, इधर यू आर मिसगाइडेड, इधर यू हैव एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ रिसोर्सेज, और यू वर वेरी गुड बट यू डिडंट गेट एलोकेशन, आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की। ये जब हम भी पहले पहले दिन आए थे, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे जो हमें लगता था कि ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट पापा लेवल का नॉलेज है इनका, तो ये भी एलोकेट नहीं हुआ तो मैं तो हो ही ना जाऊं। द थिंग इज कि दे डिडंट गो थ्रू विद दीज टेक्निक्स, दोस टिप्स जो कि राइट टिप्स हैं। आपको ना कभी भी एट एनी पॉइंट वो एक्सट्रीम लेवल का फलसफी बनने की जरूरत नहीं होगी, आपको कभी भी बिल्कुल लोअर लेवल ऑफ नॉलेज भी नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव एन ऑप्टिमम नॉलेज एंड देन उसके बाद 50% गेम है सारा का सारा कि हाउ डू यू डील विद द एग्जाम। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे, सिंस आपका अभी ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि पेपर करना बिल्कुल मुख्तलिफ बात हो जाती है। पढ़ना हम सब बचपन से करते हैं, वो हम कर लेते हैं अगर हमें प्रोवाइड किया जाए तो, मोर और लेस हो जाते हैं। लिखने के टाइम पे ना बहुत सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं होती, बहुत सारे गलत पास्ट पेपर्स की गाइड्स पड़ी होती हैं, गलत कोई फोरम्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पे उन लोगों ने ही आंसर्स पोस्ट किए हैं जो खुद एलोकेट नहीं हुए। ठीक है, द अदर डे एक स्टूडेंट आया हुआ था जिसका प्रॉब्लम यही था कि मेरा तैयारी खराब इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने जो पास्ट पेपर्स की बुक्स पकड़ के काम किया था ना, की बुक्स या गाइड बुक्स, तो मुझसे तो खुद से लिखा ही नहीं जा रहा था। I told him what I would like to tell you now as well, कि एक बहुत renowned जो सबसे बड़ा publisher है ना, उसने एक book मेरे नाम से भी छापी हुई है past paper solved की, उस पर मेरी शक्ल और मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, 3 months later I got to know कि अच्छा ये book भी exist करती है। I was never a contributor to that, मैं तो शादी कर रही थी very frankly। ठीक है, वापस आए तो पता चला ये हुआ। कहने का मकसद ये है कि There are the other people जो इस काम के अंदर जो कि क्वालिफायर्स होते हैं ना, एलोकेट नहीं होते, जो इंटरव्यू में रह जाते हैं, उनको फिर ये काम पकड़ा दिया जाता है कि भाई तुम लिखो ये चीजें और नाम उसका चलेगा और फेस उसका चलेगा जो सेलेबल है। डोंट गो अबाउट दैट। ठीक है, वो चीजें बिल्कुल गलत हैं, दैट इज अ सेपरेट बिजनेस। हाँ, सही टेक्निक्स आपने सीख ली, टाइम से सीख ली, कोई इशू नहीं है। देयर आर मेनी पीपल जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहली अटेम्प्ट में जो है वो निकला है। अभी हमारे हाथ से, मेरे हाथ से तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स ही निकले हैं। ठीक है, 2021 में जिनको पढ़ाया था और जिनको 2022 में पढ़ाया था। ठीक है, एट दिस एज जब मेरी एज की लड़कियां अपियर हो रही हैं ना पेपर में या सोचने लगी हैं अभी CSS का, मैं अगर तब एलोकेट होकर खड़े होकर गाइड कर पा रही हूँ ना, तो डैट मीन्स देयर आर अ फ्यू टिप्स, अ हैंडफुल ऑफ ट्रिक्स अप योर स्लीव जो कि आपको मिल जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी उसके अंदर बात ये है कि देयर इज अ सर्टेन ट्रेनिंग दैट यू माइंड नीड्स टू टेक ताकि आपका माइंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके आर्गुमेंट्स बनाने की आदत डाले। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अभी स्कूल में हैं, एक दो और थे वो कमेंट कर रहे थे, वो पढ़ चुके हैं हमसे। ठीक है, हमारी चैट ओपन नहीं है वरना आपको उनके कमेंट्स नजर आ जाते, दे टेस्टिफाई टू दैट। कल भी किसी ने कमेंट किया था कि मैडम इज अ पॉलीमैथ, पॉलीमैथ मींस के जिसको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। द थिंग इज कि यही काम करना है, यू नीड टू हैव अ नॉलेज, अ थिंकिंग डायरेक्शन कि 12 सब्जेक्ट्स देखो, ऐसे प्रेसी के अलावा 10 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में से 2 माइनस किए तो 10 सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं जेन्युइनली। It's just जरूरत होती है कि किस तरह डायरेक्शन मिल गई कि सबको कोरिलेट करके आंसर लिख लिया। मेरे पेपर जब चेक होने जाते थे तो सर ही चेक करते थे ऑफकोर्स, तो बात ये हो जाती थी उसके अंदर कि आपके पेपर की सबसे अच्छी बात ये है कि इट इज मल्टी डायमेंशनल। आपने इंग्लिश एसे के अंदर एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, यूरोपियन हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, इवन द लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में जो पंजाबी था, हर किसी को कोरिलेट कर लिया है। सो नाउ योर वर्क हैज बीन कट डाउन बाय 90%, क्योंकि मुझे अब एसे का डेटा ही सर्च करना पड़ रहा।
मैंने अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से बाकियों से बेहतर एसे बना लिए, तो मेरे पास 10% काम रह गया सिर्फ कि मैंने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पे काम करना है, ठीक है, दिस इज स्मार्ट वर्क। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने डेप्थ में करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि 15 किताबें पढ़नी होंगी, ठीक है, आप बुक्स का पूछ भी रहे हो तो जो रिकमेंडेड बुक्स और इवन सोर्सेज की लिस्ट है वो मैंने कंपाइल करके रखवाई हुई है बुकशॉप पे, आपको सारी बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। कभी भी वो दौर नहीं है कि अब आप 15 बुक्स को पढ़ोगे, आपके पास मॉडर्न रिसोर्सेज हैं, यू हैव रिसर्च पेपर्स, यू हैव द बेस्ट रिसोर्स विच इज यूट्यूब। ऑप्शनल्स के लिए स्पेशली यूट्यूब इतनी अच्छा रिसोर्स रही है क्योंकि उसके लेक्चर्स दे वर द एब्सोल्यूट बेस्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशली जब उनके ऊपर बात आती है, हिस्ट्री ऐसी ड्राई चीज है कि वो इंटरैक्टिव वीडियोज और एलिमेंट्स के बगैर आपको कभी भी अजबर नहीं हो सकती, कहाँ तक रट्टा लगाओगे, ठीक है। सो इफ यू हैव अगेन द राइट रिसोर्सेज एंड देन द राइट वे टू थिंक, आपका काम आधो आध से खत्म हो जाएगा, तब जाके आपके पास ये टाइम बचेगा कि बाकी लोग अभी अक्टूबर में नोट्स बनाना शुरू हो रहे हैं तो आपके अक्टूबर में टेस्ट भी शुरू हो गए, ठीक है। सिर्फ तरीके का फर्क है, दिमाग की मेंटल एबिलिटी का आई बिलीव शायद थोड़ा बहुत इतना फर्क जरूर होता है कि कोई किसी चीज में बेहतर है, कोई किसी चीज में बेहतर है, लेकिन सब लोग किसी ना किसी चीज में जरूर बेहतर है। यहाँ पे जो CSS का सोच के आया होता है दे आर जनरली नॉट एब्सोल्यूट फूल्स, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर हर किसी के पास अप देयर स्लीव्स अपना अपना टैलेंट होता है, यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज दैट, यू जस्ट नीड टू वर्क अलोंग द वे, वीकनेसेस को खत्म करके अपने टैलेंट्स को पॉलिश करके सामने लाना है। यही फर्क है जो कि आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और एक बात, आप जब डरते हो ना कि इतने सारे हजारों लोग अपीयर होते हैं और पास और एलोकेट सिर्फ इतने होते हैं, तो ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक और चीज को समझ लें, ये जो 100 नंबर का सब्जेक्ट होते हैं ना, मैं एसे प्रेसी को निकाल दूँ, 100 नंबर में से ना 40 से 50 लेना बहुत आसान है, एब्सोल्यूटली ईजी। ये जो सारे लोग मार्केट में पढ़ी हुई टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं ना, ले सकते हैं और लेते भी हैं, विच इज वाई द ग्रेटर चंक ऑफ DMCs के अंदर ना ऐसे ही नंबर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। पासिंग होने के बावजूद जो खैर फेल हैं, जो 33 या 40 से भी नीचे ही हैं ना, उनकी तो बात अलग है। ये जो बच्चे हैं ना जो पढ़ने के बावजूद एलोकेट नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे, ये क्योंकि 40 और 50 पे अटके हुए हैं, विच इज एन ईजियर नंबर। एनीबडी विद द बेसिक सेट ऑफ नॉलेज कैन डू दिस, एनीबडी जो थोड़ा सा अकेडमी पढ़ गया है ही कैन डू दिस। इसके ऊपर 70 तक जाना जो है ना, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली पेनफुल, ये काम बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर एक एक नंबर लेने के लिए ना आपको एक एक नई चीज, नया फेसेट, नई डिमेंशन, नया एनालिसिस, नया एलिमेंट ऐड करना होता है। उन तमाम एलिमेंट्स को एट माय टाइम सर्च करके इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल था कि अच्छा अब और एक नंबर किस चीज से आएगा, क्योंकि आप अलोंग द सेम लाइन बात नहीं किए जा सकते। एग्जामिनर को बड़ी एक अच्छी बात है, आप एग्जामिनर को एंटरटेन कराएंगे ना, वो आपको खुश करेगा। एग्जामिनर को एंटरटेन कराने का ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे टिकटॉक चला देंगे, इट मींस कि आप उसको एक ऐसा ड्राफ्ट दे रहे हो जो कि मल्टी डायमेंशनल है, उसे पढ़ के मजा आ रहा है। आप अगर उसको इस्लामियात के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल कोई गजवा मैप के थ्रू बता पा रहे हो तो उसको समझ आ रही है बेहतर। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप फाउंटेन पेन से लिख रहे हो, आप कैलीग्राफिक वे में कट पेन चला पा रहे हो, विच बाय द वे यू कैन डू, अगर मैं एक डॉक्टर होके कर सकती थी, चूहे मरे होते थे अभी भी दिख रहे हैं, तो फिर भी इतना अच्छा एक इम्पेकेबल पेपर बन जाता था, यू कैन ऑल्सो डू दैट। पेपर प्रेजेंटेबल है या नहीं है, रीडेबल है या नहीं है, कितना इंटरैक्टिव है, कितने मैप्स या फ्लो चार्ट्स हैं, एनालिसिस की टाइप सारी पते हैं या एनालिसिस की बस हेडिंग देके अंदर अपने मन की बात लिखी होती है, ठीक है। हाउ इज ही ब्रैगिंग अबाउट द कोट्स, हाउ इज ही शोइंग ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। इज ही एबल टू कोरिलेट एनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल विद इस्लामिक स्टडीज, बिकॉज सी थिंग्स डोंट हैपन इन आइसोलेशन। एट द सेम टाइम जब आपकी इस्लामिक एम्पायर ग्रो कर रही है तो आस पास बिजेंटाइन एम्पायर और सैसेनिड एम्पायर हैं जो कि आप यूरोपियन हिस्ट्री में उसका ओवरव्यू ले लेते हो, देन व्हाई आर यू नॉट एबल टू कोरिलेट दैट, ठीक है। आपके पास अगर लेट सपोज फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर फिलोसफी हो रही है,
फिलोसोफर्स वो चीजें क्यों दे रहे हैं, उनको वो आइडियाज वो आइसोलेशन में नहीं आ रहे, आपकी वही हिस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर कोरिलेटिंग विद ईच अदर. सो नाउ इफ यू आर गिविंग द कॉन्टेक्स्ट के उसने ये फलसफा इसलिए दिया क्योंकि उसके वक्त और हालात में चीजें ऐसे हो रही थी, देन दे आर कोरिलेटेड. अब उसके दो नंबर एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है. फिर फ्यूचर में चल के अगर लेट सपोज प्लेटो अफलातून ये फलसफा दे रहा था तो फ्यूचर में उसके क्या असरात हुए, या उसने सिर्फ बात कह दी थी, ठीक है. उसने उसकी फिलॉसफी से अल-फ़ारावी जो है वो इंस्पायर हुआ, उसने फिर क्या कहा, अच्छा मार्क्स को इंस्पायर किया था इब्ने खल्दून ने, इब्ने खल्दून ने एडम स्मिथ को भी जो है वो इन्फ्लुएंस किया, मार्क्स को भी किया. फिर उसके असरात क्या हुए, कोल्ड वॉर हुए, मार्क्स ना होता तो कोल्ड वॉर ना होता, ये आपके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आते, क्यूबन क्राइसिस ना होता, आपका वियतनाम का इशू ना होता. कहने का मकसद है, मिसाल दे रही हूँ कि यू नीड टू अप्लाई द थ्योरी विद द प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी एबल टू कोरिलेट कि कोई बात हो रही है ना तो हवा में नहीं हो रही, उसका असल दुनिया से क्या ताल्लुक है. और फिर जो प्रैक्टिकल दुनिया का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल मसला है, उसको वापस हाउ डू यू ट्रेस इट बैक विद द थ्योरी. जहां आप ये छोटे छोटे लिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं ना बिटवीन वेरियस आइसोलेटेड आइडियाज, यहीं से आपकी कोहेरेंस आती है, यहीं से आप आइसोलेटेड चीजों को कनेक्ट करके एग्जामिनर को वो एंटरटेनिंग ड्राफ्ट दे पाते हो जो उसको एवरेज स्टूडेंट नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसने पढ़ा है टेक्स्ट बुक से, आपने लिखा है अपने दिमाग से. इसीलिए हमारे हर स्टूडेंट का पेपर जो है ना वो मुख्तलिफ क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कि हर कोई अपने तरीके से सोच रहे, हर किसी के अपने सब्जेक्ट्स हैं, किसी को कोई बात ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है, किसी को कोई बात ज्यादा रिलेटेबल लग गई. Now they are able to interlink and weave the concepts together and answer the questions. ठीक है जी. करेंगे, definitely करेंगे, क्योंकि आपको lectures के साथ साथ ही notes making करनी होती है, तभी आपका देखें CSS में ना थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि आपको ना अभी लेक्चर जो पढ़ा है उसको घर जाके रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको रीड करें, उसके बाद अपनी तरफ से एक दो चीजें उसमें सर्च करके ऐड करें जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसको साथ पढ़ लो. वो पढ़ के आपने लिख ली ना वही आपके नोट्स, ठीक है, अब वो आपको याद रह जाएगा क्योंकि वो आपने खुद लिखा है, ठीक है. किसी और की लिखी हुई चीज पढ़ने से इसीलिए आपको वो याद नहीं रहती, ठीक है, ये आपकी तैयारी होगी. अब ये तैयारी तो आपकी सितंबर तक ही होगी, अक्टूबर का एक एक्स्ट्रा महीना आपको पता है क्यों चाहिए नोट मेकिंग के लिए. एक महीने में तो वैसे भी डी नोवो तो नोट्स नहीं बनने, इट्स जस्ट दैट इनकी रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट होनी है, बिकॉज बाय सितंबर यू वुड रियलाइज कि आपका दिमाग कुछ उस तरह से काम कर रहा है, उसके जहन में कुछ एडेड आइडियाज आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे, तो उनको सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर एड करते जाने, ठीक है. इसके बारे में मैं चाहूंगी कि कोई अगर हमारा पुराना स्टूडेंट ने अभी भी ज्वाइन किया हुआ है तो वो पूछ ये रही है कि क्या आपको फिंगर पकड़ कर चलाया जाता है, तो ये आपको खुद बताएंगे कि कितना फिंगर पकड़ के चलाया जाता है. इफ एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर एंड दिस आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट खुद ही बात करें इसके बारे में, मैं भी ना कहूँ, ठीक है. हाँ, एक आधा मेरे नजर से जो है नाम गुजरा था पुराने स्टूडेंट्स का, बट देन अगर आपको मेरा इफ यू नीड माय वर्ड फॉर इट तो दैट इज वन थिंग जो कि मेरी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी मेंटर्स से ज्यादा, ठीक है. आपको जबरदस्ती कर करके लाजमी लिखवाया जाता है, और अगर बाकी के आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ भी मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चल रहा होता है कि विद इन 7 days, 5 days इनको चेक करके दें, फीडबैक दें, ठीक है. टीचर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में यहाँ पे सबसे बड़ा बुरा इंसान मैं हूँ, बिकॉज मैं सबके नर्व्स पर सवार हुई होती हूँ. उसका मकसद यही है कि देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपने अगर लिख लिया और आपको 5 दिन में हफ्ते में नहीं मिल रहा ना रिटर्न उसका फीडबैक या कुछ भी, दोबारा यू डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू गिव द टेस्ट.
This is how slowly your motivation erodes, your spirit to write erodes. And then आपने अगर इस हफ्ते की गलती से इसी हफ्ते लर्न नहीं किया तो होते होते क्या होगा कि नेक्स्ट वीक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए. ठीक है, ये वाला जो बैच गुजरा है ना मार्च का बैच, ये मेरी जिंदगी का सबसे ढीला बैच था. ठीक है, लेकिन उनको भी उंगली पकड़ पकड़ के ही चलाया गया है. रमजान की वजह से वो मजीद ढीले हो गए थे. टिल द पॉइंट केम कि नाउ व्हेन दे आर फाइनली गोइंग आउट ऑफ द एकेडमी, वो सोचने के काबिल, लिखने के काबिल हो चुके हैं. वो आए थे तो वो ऐसे थे जैसे पता नहीं कहाँ से आए हैं. ठीक है, अमेजोन के फॉरेस्ट से आए हैं. दे न्यू नथिंग एट ऑल प्रायर टू दिस. ठीक है, ये चीज हैंड होल्डिंग लेके चलाना, ये चीज लाजमी होती है आपका. लेकिन काम ये जरूर है कि आप बैठ के कोशिश एक दफा जरूर करें. मैंने यहाँ तक उस बैच के साथ की है कि उनमें एक लड़का था जो टेस्ट देता ही नहीं था. जिस दिन उसे पता चला ना टेस्ट है, उसने दौड़ जाना. उसके खातिर मैंने एक दिन बकायदा बैठ के जो है ना सरप्राइज टेस्ट करवा दिया था कि भाई आप किधर जाओगे, और दैट इज दी ओनली टेस्ट जो उसने दिया. ठीक है, उसके बाद जो भी टेस्ट उससे लिया है वो जबरदस्ती ही लिया है. उसके पीछे बाकियों को भी प्रॉब्लम होती थी कि सरप्राइज टेस्ट हुए जा रहे हैं. ठीक है, उस चीज की आई कैन अशोर यू उसकी वजह यही है कि मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में ना सबसे बड़ा क्राइसिस यही महसूस किया था कि मैं अगर चाह भी रही हूं ना कि मैं लिख के चेक कराऊं तो मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माय वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सर मोजम वाज दिस के कोऑर्डिनेटर जो थी ना वहां पे, उन्होंने वो मानती हैं आज तक इस बात को मानती हैं कि उन्होंने ये तारुफ कराया था कि ये बड़ी कोई पेस्की किस्म की और जो है ना चिच्चड़ किस्म की लड़की है जो बार बार मैसेज करती है कि मेरा पेपर चेक कर दो तो सर जरा इसका पेपर तो चेक कर दें. वो चेक हुआ तो इट वॉज वेरी गुड पेपर और ठीक है, फिर जो है थोड़ी इज्जत बन गई तो पेपर चेक होने लगे. बट द थिंग इज दिस कि ये चीज ना स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अजियत हो जाती है. स्टूडेंट लिखना ही छोड़ देता है कि भाई मेरा पेपर चेक होके मिल ही नहीं रहा तो मैं नहीं करता तू. ठीक है, जो जिन चीजों का मैं खुद विक्टिम रह चुकी हूँ ना उनके बारे में यू कैन रेस्ट अशोर्ड के आई एम माई सेल्फ वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट कि वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए. शायद यही वजह है कि मैं इधर खड़ी भी हूँ डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने वो चीज हासिल कर ली थी जिंदगी में जो मेरा टारगेट था. ठीक है, एंड ऑल्सो रेस्ट अशोर्ड के जितनी चीजें हैं दुनिया में एग्जिस्ट करती उन सब का विक्टिम मैं बन चुकी थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन. उन सब से गुजर के ही फिर वो स्टेज आई थी कि आई कुड स्कोर द फिफ्थ पोजिशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो सारी चीजें देख ली थी और उनके ऊपर फिर उनका हल क्या था, हाउ डू यू राइज अबव दैट, वो भी हो गया था. और उसके बाद इट वॉज अ वेरी गुड थिंग डैट हैपन कि चलो फाइनली एक स्टूडेंट की कैपेसिटी का बंदा फाइनली खुद एलोकेट होके वो चीज कर पा रहा है कि जिन लोगों को उसने ड्यूरिंग हर कोर्स ऑफ प्रेपरेशन बेस्ट पाया था तो उसने अब उनको इकट्ठा कर लिया है. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम फॉर मी. ठीक है, ये चीज बहरहाल रेस्ट अशोर्ड के आपकी लाजमी लाजमी है और हर हाल में. उसमें फिर अभी तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, कल को मैं आपको बहुत बुरी लगूंगी क्योंकि मैं जबरदस्ती बिठा बिठा के जो है वो टेस्ट ले रही हूँ. और कोई सवाल फिर मैं इधर ऑनलाइन तो मूव कर. नहीं आप 12 करते हैं शुरू में तो मैं बताऊं वेरी फ्रेंकली उसकी वजह ये है कि शुरू में ना आपकी एनर्जी ज्यादा होती है एंड आउट ऑफ दैट high energy and out of a desperate attempt to basically prove yourself to your own self actually aap shuru mein bahut zyada kaam kar rahe hote hain shayad usme ye cheez ka bhi mixture ho jata hai ki aapko koi certainty nahi hai ki teacher ne aapko koi set pattern ya scheduling of written practice deni hai ya nahi so you are either producing 100% or you are standing at 0%. theek hai, तरीकाकार उसका यही होता है कि जब आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना स्टूडेंट के साथ कि आपका ये स्केड्यूल है जहां से आपने रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, इस तरह चलना है, पहले पैराग्राफ लिखना है, फिर दो पैराग्राफ लिखने हैं, फिर आउटलाइन लिखनी है, फिर ऐसे लिखना है, तो देन यू आर नेवर गोइंग टू बी इन अ हरी और इन अ फ्रेंजी टू ओवर प्रोड्यूस एंड देन यू नो फॉल शॉर्ट ऑफ एनर्जी.
दूसरी चीज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ना कम होने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको खुद से डिसअपॉइंटमेंट और डर और दूसरों को देख के होने लगता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आप जब ये रियलाइज करते हो ना कि फॉर इंस्टेंस मेरे पास अभी तक कोई ऐसा सॉलिड सबूत नहीं है जो मुझे ये बताए कि मैंने एलोकेट होना है। वो सॉलिड सबूत पता है कब मिलता है? जब आपको शुरू में गंदे रेड हुए हुए टेस्ट मिलते हैं वापस, और आहिस्ता आहिस्ता आपको वाकई वो टेस्ट मिलना शुरू हो जाते हैं जिनमें यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि हाँ ये वो इम्प्रूवमेंट है, एंड यू कैन हैव अ टैंजिबल प्रूफ कि यार वाकई ये चीजें अब आ गई हैं, ये वाकई उनमें मटीरियल है। दिस इज द ओनली वे जिसके जरिए आपकी जो एनर्जी है ना वो कंसिस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर आप शुरू में बिल्कुल हाई हो, आप कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे खुद को, आहिस्ता आहिस्ता आप लो ही जाते हैं। दैट इज अनदर वेरी गुड रीजन व्हाई यू नीड टू बी इन रिटन प्रैक्टिस, ताकि आपको भी पता हो और टीचर्स को भी पता हो कि ये जो इतना अगर पढ़ रहा है वाकई तो क्या वाकई स्टैंड भी करता है कहीं या सिर्फ पढ़ ही रहा है। और जी YouTube पे basically या documentaries पे you don't have to watch everything under the sun, that is the key। इतना ज्यादा cluttered content के अंदर ना आपके लिए तो वो bottomless हो जाएगी चीज। What you need to do is this, कि जैसे आपको list compile करके दी हुई है ना कि देखो आपके पास suppose political science का paper A है, पेपर ए के लिए सिर्फ ये एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये 18 वीडियोस हैं 7 मिनट्स ईच की, सिर्फ ये देखनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसी तरह करंट अफेयर्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपका कोई एक इशू है जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो उस पे सिर्फ ये वाली एक वीडियो जाके देख लें। बुक्स हैं तो बुक्स कभी भी पूरी नहीं पढ़नी, बुक्स को 60-70 बुक्स कौन पूरी पढ़ता है, नहीं पढ़ते। एंड द वंस जिन्होंने पढ़ी है ना वो फिर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में भी जाके ओएमजी या इंफॉर्मेशन ग्रुप में गए। सो आपकी लिस्ट में ना प्रॉपर लिखा हुआ है कि फेमिनिज्म के मुतल्लिक ये चार बुक्स हैं, चारों बुक्स में से एक में से सिर्फ कोटेशन लेनी है, एक में से सिर्फ उसका जिस्ट लेना है, एक में से सिर्फ उसका एनालिसिस गुड रीड से पढ़ लेना है, और ये जो चौथी है इसके मुतालिक ये वाली वीडियो देखो सिर्फ, बाकी भी नहीं। ये लिस्ट मैंने कंपाइल करके रखी हुई है, बुकशॉप पे भी अवेलेबल है, आप लोग अभी लेना चाहें जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिकल वाले जाते हुए भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपका सेशन स्टार्ट होता है ना तो आपका एक बंडल बुक्स का हम पहले से देते हैं बिफोर योर सेशन इज स्टार्टिंग। वो जब तक आपके हाथ में नहीं है ना आप फिर वही एम्प्टी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, आप अभी आए हो कैंपस पे फिजिकल पे, आपको अभी भी दो चार चीजें दी गई हैं विच माइट बी अ गुड स्टार्टर टू बिगिन विद। ठीक है, इस तरीके से आपने चलना है कि यू विल नॉट रोम अराउंड और वॉन्डर अबाउट 70 डिफरेंट सोर्सेस। आपको वो बताने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि अच्छा इसके लिए ये पढ़ ले। ठीक है, करंट पाक अफेयर्स जैसी बॉटमलेस चीज है तो उसके नोट्स आपको सर लेक्चर्स खत्म होने के बाद प्रोवाइड करते हैं, नॉट बिफोर द लेक्चर्स, क्योंकि बिफोर द लेक्चर्स दिए तो फिर स्टूडेंट सिर्फ उसको ही देखता रहता है, वो लेक्चर में एंगेज नहीं होता। सो हर चीज का एक डिफरेंट डिफरेंट तरीका है जिसके तरीके से आपको बिल्कुल माइन्यूट टारगेट के ऊपर हिट करने वाली चीज है, आपको इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक कोई स्टूडेंट पूछ रही थी बार बार, निम्रा पूछ रही थी कि मेरी फैमिली के साथ कैसे आप मैनेज करते हो। तो देखो फैमिली के साथ ये देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, हम सबको अभी लग रहा होगा कि प्राइवेटली या पब्लिकली हमारा तो ये इशू है जो कि बहुत बड़ा है, एंड बिलीव मी एवरीवन इन दिस रेस विल हैव एटलीस्ट वन इशू जो कि बहुत ही पेस्टरिंग और बॉदरिंग सा इशू होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ है। कोई अगर बहुत रिच है उसका अपना इशू है, कोई बहुत फाइनेंशियली जो है कॉम्प्रोमाइज है उसका अपना इशू है, कोई फैमिली के साथ है उसका अपना इशू है, जिनकी फैमिली नहीं है उनके अलग इशूज हैं, दे हैव टू बी ऑन व्हाट्सएप फॉर 24 आवर्स ताकि कल उनकी फैमिली हो। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं, इट्स फाइन। आई हैव सीन मेनी पीपल जो मैरिड होने के अलावा बच्चों के साथ सिंगल मदर्स होके डिवोर्स्ड मदर्स होके भी चीजें मैनेज कर लेते हैं। उसका तरीकाकार सिर्फ यही है कि आपको ना एक सर्टेन वे पता होना जरूरी है,
वो सर्टेन वे अगर आपको नहीं पता ना, तो आप दुनिया की हर आसाइश होते हुए भी नहीं कर पाते। और ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जिंदगी की हर चीज मुयस्सर होती है, वो फिर भी नहीं सीएसएस कर पा रहे होते। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अ सर्टेन स्केड्यूल, अ सर्टेन टारगेटेड वे, जिसमें आपका टाइम ना वेस्ट ना हो, आपको पता हो मैंने क्या करना है, आप वही करें। एट एनी गिवन डे आपको पता हो आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। ठीक है, ऑप्शनल्स की सिलेक्शन, गौहर और बाकी जो सारे पूछ रहे हैं ना, ऑप्शनल्स की सिलेक्शन पे हम बड़ा डिटेल सेशन कराते हैं। हमने अभी वो सेशन इनफैक्ट लाइव भी कर दिया था जो पिछले बैच के साथ हो रहा था। तो बट ऑप्शंस की सिलेक्शन ना आज नहीं होती, द डे दैट यू आर स्टार्टिंग इज नॉट द डे यू आर सिलेक्टिंग योर ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू विद द सिक्स कंपल्सरीज टू हैव अ सर्टेन आइडिया कि अब मेरी प्रोक्लिविटी किस सब्जेक्ट की तरफ है। ठीक है, और कंपल्सरी पढ़ने के बाद ना समझ आ जाती है क्या मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, क्या मैं सोशल साइंसेज में या हार्ड साइंसेज में या एनालिसिस में, व्हाट इज माय फोर्टे, व्हिच इज व्हाई देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। आप सबके ऑप्शनल्स ना हम अलग से सेलेक्ट करा के देंगे, और ऑप्शनल सिलेक्शन पे एक नहीं तीन से चार सेशन बाय द वे होते हैं, क्योंकि एक सेशन में नहीं होता वो। अभी जो सर ने जो लाइव किया था ना, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स का तीसरा सेशन था ऑप्शनल सिलेक्शन पे, चौथा मैंने उनका कल के दिन करवाया है, जिसमें फाइनली हमने उनके सब्जेक्ट्स फाइनल करके उनको बाहर भेजा। ठीक है, सो इस चीज को ना आपने इतना लाइटली, इतना सिंपली नहीं लेना कि इट विल नेवर बी आंसर्ड विद इन वन क्वेश्चन, विद इन वन आंसर, और विद इन 10 to 15 minutes। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपका सीएसएस उस दिन पास या फेल हो जाता है जिस दिन आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, wisely या unwisely, if you are with an engineering background, that doesn't answer the question कि आपके options क्या होने चाहिए। ठीक है वसीम, that is not the question कि आपका background क्या है। आप सबका जो एक natural proclivity है ना, वो आपको खुद जज होती है, हमें पता चलती है, मुझे specially पता चलती है, मैं आपके साथ ज्यादा in touch रहती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं बस एक दो चार questions और ले लूँ, उसके बाद बाकी सर ने अगर कुछ discuss करना है। जी बताइए। जी नहीं, इशू सबका होता है, मैं सही बताऊं तो सवाल क्या है उसके बारे में? उसके बारे में मैंने एक तो चीज ये डिस्कस की है कि जब तक आपको ये मल्टी डायमेंशनली थिंक करना नहीं आता ना, आपके लिए वो बहुत बड़ा मसला रहता है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये है, आर्ग्यूमेंट नहीं बन रही, समझ नहीं आ रही, नॉलेज का गैप है, 3000 वर्ड नहीं पूरे हो रहे। वो इसीलिए नहीं हो रहे भाई क्योंकि आप गूगल से सर्च कर रहे हैं ना ऐसे टॉपिक्स, तो ऐसे नहीं होगा। आजकल वैसे भी आपके एब्स्ट्रैक्ट या लिटरेरी एसेज आते हैं, उसके अंदर आपको यही ऑर्गेनिकली तरीके से चीजों को कलेक्ट करना पड़ता है। फैक्ट बुक के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बार बार बात की है, अभी एक यूट्यूब पे वीडियो भी गई थी, आपको वो मैं डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन उसका क्रक्स ये है कि यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग अलोंग मल्टीपल डायमेंशंस। ठीक है, एंड ऑर्गेनिकली रोज बिट्स एंड पीसेस में नॉलेज को जमा करने। ठीक है, रिगार्डिंग आपका जो हो गया प्रेसी, उसमें भी यही सबसे बड़ा चीज है कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो सिर्फ 20 नंबर की प्रेसी पूरा साल तैयार करता रहता है, वो ये नहीं सोचता कि 80 नंबर की बाकी चीजें भी है। ठीक है, वो 80 नंबर के कॉम्पोनेंट्स में भी जो है ना, वो रट्टा सिस्टम नहीं होता। कोई GRE के वोकैबुलरी के 6000 लफ्ज याद कर रहा है, कोई जो है वो ग्रामर के रूल्स को रट्टा लगा रहा है, नो। अगेन बिट बाय बिट वो सारी चीजें ना प्रैक्टिस 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 पे मुनसर है। आप प्रैक्टिस करने वाले बनो, आपके लिए प्रैक्टिस का ढेर लगा हुआ है, और बाकी चीजें वही है कि जो फैक्ट बुक वाला तरीका है कि आपने रोज कोई मुश्किल लफ्ज पढ़ा है, रोज कोई इडियम पढ़ा है अखबार में जनरली, उसको अपने हाथ से लिखते जाएं, उसका मीनिंग खुद ढूंढ के लिखें, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास इतना रिच बैंक जमा हो जाएगा कि उतना अच्छा बैंक किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन आपको उसका फायदा क्या होगा कि क्योंकि आपने वो खुद लिखा है, तो आपको उसको बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपको याद होगा बाय डिफॉल्ट। दैट इज द ओनली वे जिसके जरिए मैंने इतने 2021 की जो प्रेसी का पेपर था ना, सबसे ज्यादा बुरा था हिस्टोरिकली, ये तस्लीम शुदा बात है। उसको मैंने आराम से क्लियर इसीलिए कर लिया था क्योंकि इवन दो मैंने कोई आपके जो है किसी पब्लिशर के ये बुक्स नहीं पढ़ी थी जो EDM पेयर ऑफ वर्ड्स की होती हैं, मैंने प्रेसी की किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था, उनमें गलत तरीकों से प्रेसियां लिखी होती हैं, और उसके अलावा कोई भी वो हैंड बुक्स की बुक्स मेरे पास कभी भी नहीं थी।
आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग, आई वॉज जस्ट क्रिएटिंग माई ओन फैक्ट बुक, मेरी वोकैबुलरी, मेरा idiom, मेरी ग्रामर वहीं से ठीक होती थी. ठीक है. अच्छा, जो रिसोर्सेज है ना, आई स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल इन यूरोपियन हिस्ट्री, ये वो सारे सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज जो है ना वो कंपाइल्ड एक लिस्ट में पड़े हुए, दैट इज ओपन टू ऑल एंड एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या नहीं है. आप वो लिस्ट जो है ना वो बुक शॉप से मांग सकते हैं, उनसे ले सकते हैं. बड़ी डिटेल से उनके अंदर सारे सोर्सेज को लिखा गया है, चाहे वो आपके यूट्यूब के हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हैं, चाहे वो आपकी बुक्स हैं. हाँ, इसके बारे में क्योंकि यहाँ भी दो चार लोगों ने पूछा हुआ है, ये मैं, आई वुड लेट सर आंसर दिस क्वेश्चन. माइक ले लें. ठीक, थैंक यू. अच्छा जी, तो सवाल कुछ इस तरह के हैं कि एक तो हमारा 10th में का जो सेशन है स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में एक दो चीजें डिस्कस करनी है, राइट? और उसके अलावा वैसे जनरली हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को कि हमने यहाँ पर चीजों कैसे लेकर चलनी है और क्या करना है और क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. हम एक दो सब्जेक्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 10th में वाले हमारे सेशन का, उसके बारे में आपके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी जाता हूँ. अच्छा, 10th में वाला जो सेशन है ना, उसमें प्राइमरली हम डिवाइड किए इस पूरे सेशन को दो हिस्सों के अंदर. सबसे पहले हम 2.25 महीनों के अंदर करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर, राइट? क्योंकि उसकी रीजन ये है, जिसना भी मैडम ये बात कर रही थी कि आपके पास ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए ना एक फ्लो में आना जरूरी है. आपको समझ लगनी जरूरी है कि अच्छा मुझे किन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट? किन सब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूं या समझ सकती हूं. मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं जो कि एनालिटिकल हैं, जिसमें मुझे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है. क्या मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि जिसको ना बस एक किताब बता दें, मैंने उसको रटना है और रट के जाके छाप देना है. ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना स्टूडेंट्स की, वो डेवलप होती है जब स्टूडेंट्स ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स में अच्छे होते हैं. करंट अफेयर्स के अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ता है. एक सिचुएशन चल रही है, आप उसके पास्ट में क्या हुआ है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो. इसका मतलब है कि आपका जो है ना पूरे का पूरा सिचुएशन वो एनालिसिस वाला माइंड है. एक स्टूडेंट है जिसको समझ आती है पाकिस्तान अफेयर्स. पाकिस्तान अफेयर्स में क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल बातें हो रही होती हैं, तो आप सर मुझे बस एक किताब बता दें जहां से हिस्ट्री के अंदर जो चीज बताई गई है, मैंने उसको रटना है और रट के जाके जो है ना मैंने पेपर लिखाना है. यानी अब एक स्टूडेंट है थोड़ा सा जिसका प्रॉब्लम है कि मुझे एक किताब बता दें और उसमें कोई अपडेट नहीं ना हो रही हो सब्जेक्ट में, बस पुराना जो हो गया मैंने रट के रख देना. इसीलिए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पहले करवाए जाते हैं ताकि आपको अपनी अप्रोच खुद समझ आ जाए कि आप एनालिटिकल वाले स्टूडेंट हैं या आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको बुक रेफर कर दी जाए और वो जाकर उसको लिखाएंगे. इसके बाद फिर हम जब हमारे पास महीना डेढ़ महीना हो जाता है, फिर हम जाते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि स्टूडेंट को तब तक आइडिया अपना हो चुका होता है. वो हर महीने टेस्ट दे देकर 4 से 5 टेस्ट भी दे चुका हुआ होता है, राइट? उसको उसका फीडबैक भी मिल चुका हुआ होता है, उसको समझ आ गई होती है कि अब मैंने किधर को मूव करना है, फिर हम जाते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट्स की तरफ. ये एक अप्रोच होती है हमारी सारे की. बात समझ आती है? अब इस सारे के सारे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हमने इस पूरे के पूरे मई वाले सेशन के लिए आपके लिए 120 लेक्चर्स रखे हैं. वो 120 लेक्चर्स जो है ना आपके पास, उस 120 लेक्चर्स के अंदर फर्दर डिविजन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स हैं, किसी सब्जेक्ट किसी और लेक्चर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के 40 लेक्चर्स मैंने करवाऊंगा आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर. मैं ये आपको गारंटी देता हूं, राइट? आप लाहौर को छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई टीचर निकाल दें जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी 40 लेक्चर में करवा दो, राइट? हमारे पास लेक्चर होते हैं 18, लेक्चर को करवा रहा है 12, किसी ने लेक्चर लिखे हुए 10, किसी ने करवाए 14, राइट? 40 लेक्चर्स में कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मैंने इन 40 लेक्चर्स के अंदर से 3 से 4 लेक्चर ऐसे रखे हुए हैं जो सिर्फ उन इन 2 महीनों के अंदर कोई नई अपडेट आ गई तो उसमें हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर डिलीवर करा था सूडान क्राइसिस के ऊपर कि जी सूडान के अंदर क्या चल रहा है, राइट? एक नया अपडेट आ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर. उससे 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया कि अच्छा ये जो आर्टिकल 1843 का मसला चल रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो खान साहब का मसला क्या 1843 का, राइट? ये सो मोटो एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मसला क्या चल रहा है पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, इलेक्शन नहीं होंगे 90 दिनों में तो क्या होगा. ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स हर रोज सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको समझ. तो इस तरह के भी 4 लेक्चर हमने रखे हैं इसके अंदर,
राइट right? इसके अलावा 12 लेक्चर रखे हुए हमने सेपरेट आपके एक्स्ट्रा इसके अंदर, वो जो 12 लेक्चर हैं वो 12 लेक्चर में से एक लेक्चर आपके पास, जैसे मैडम बता रही हैं हमारे पास जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का, राइट वो एक लेक्चर नहीं है, मल्टीपल लेक्चर्स हमारे पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का लेक्चर हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का लेक्चर हमारे पास, नोट्स मेकिंग का लेक्चर, नोट्स मेकिंग के लिए आपको तरीके हम बताएंगे कि अच्छा नोट्स मेकिंग के ये तरीके होते हैं, एक तरीका ये है जी नोट्स मेकिंग का, दूसरा तरीका ये है नोट्स मेकिंग का, आपको कौन सा पसंद आया, बी वाला आप इस तरह बना लो, मुझे सर पसंद आया ए वाला आप इस तरह बना लो, राइट उसके बाद न्यूज़पेपर एनालिसिस कि न्यूज़पेपर के अंदर अपडेट क्या हो रही है, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे होता है, हर बंदा आपको बताता है ये जरूर है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप उसे पूछें ये पढ़ना कैसे है, मैं सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़पेपर लेके बैठा रहूं, न्यूज़पेपर इतना बड़ा है, इसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने पेजेस पढ़ने हैं, मुझे मंडे का डॉन क्यों पढ़ना है, क्योंकि मंडे के डॉन में बिजनेस इंसाइडर का पेज आता है एक्स्ट्रा, वो बाकी किसी दिन नहीं आता, तो मुझे मंडे को बिजनेस इंसाइडर के पेज के लिए इकोनॉमिक्स की फाइनेंस की सारी चीजें मुझे मंडे को पता चल जाएंगी, मुझे फ्राइडे टाइम्स क्यों पढ़ना है फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि वो आपके पास जो है ना वो नजम सेठी साहब का अखबार है जिसमें वो एनालिटिकल बातें ज्यादा करते हैं, क्रिटिक ज्यादा करते हैं चीजों के ऊपर, तो मुझे फ्राइडे को ये चीज पढ़नी है, मुझे मंडे को ये चीज पढ़नी है, मेरी बात समझ आती है, तो उसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गए, नोट्स मेकिंग टेक्निक्स हो गई, मेरी बात समझ आती, इसके अलावा हमने 2 लेक्चर से 3 लेक्चर रखे हमें हिस्ट्री के ऊपर, अब हिस्ट्री के ऊपर जो लेक्चर मैं देता हूं वो मैं 8000 बिफोर क्राइस्ट से शुरू करता हूं, बीसी से, वो जो 8000 बीसी के सब्जेक्ट्स हैं ना, टॉपिक्स हैं, उसका फायदा पता क्या होता है, आपने कुछ ना कुछ सुना हुआ होता है ना, राइट आप अपने एनालिसिस में कुछ चीज ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राइट और उस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते पढ़ते ना हमने, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, आपने वो लेक्चर लिया हुआ था, आपने उसके अंदर बताया कि जनाब आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले या 4000 साल पहले, राइट जो ग्रीस था ना उसकी हिस्ट्री ये थी, और ग्रीस में ऐसा चल रहा था सारा कुछ, जब ग्रीस में ये जो चल रहा था ना सारा कुछ, इसलिए सोक्रेटिस की, प्लेटो की और एरिस्टोटल की थॉट ही ऐसी थी, क्यों सोच रहा है सोक्रेटिस ऐसा, क्यों प्लेटो सोच रहा है ऐसा, क्यों एरिस्टोटल ऐसा सोच रहा है, क्योंकि उस दौर में कुछ ऐसा चल रहा है, अगर ग्रीस में उस दौर में ऐसा चल रहा है तो एट द सेम टाइम इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में उस टाइम ये चल रहा है, अच्छा इंडिया में ये चल रहा है तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या चल रहा है, सुमेरियन सिविलाइजेशन में क्या चल रहा है, राइट यूरोप में इस टाइम क्या हो रहा है, तब आपके जेहन में एक हिस्ट्री क्लियर होती है कि अच्छा इस टाइम ना दुनिया में ये चल रहा है, क्योंकि याद रखिए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, मैं आपसे सवाल करता हूं, आज अगर दुनिया में कोई चीज होती है क्या उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आएगा, अगर एक तरफ यूक्रेनियन वॉर चल रही है तो उसके ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस मसला नहीं आ रहा, दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, तो क्या उस दौर में अगर दुनिया में कुछ होता होगा तो क्या उसका बाकी चीजों पे इंपैक्ट नहीं आता होगा, मेरी बात समझ जाती, तो इसलिए हिस्ट्री को समझना भी जरूरी होता है, तो उसके अंदर हमने 12 लेक्चर्स इस तरह के भी रखे हुए, मेरी बात फॉलो होती, उसके अलावा फिर हमने जनरल साइंस के हमने 14 लेक्चर्स रखे हुए, हमने उसके अंदर मैथ्स के लेक्चर्स अलहदा रखे हुए, हमने उसके अंदर इस्लामियात के लेक्चर्स अलहदा रखे हुए, तो कुल मिलाकर टोटल 120 के करीब लेक्चर्स के करीब हमारे पास चीजें पहुंचती हैं, ये हमने पूरे का पूरा कवर करना होता, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमने फिर सैटरडे कभी फ्राइडे को भी हो जाता है, सैटरडे को भी हो जाता है, 2 दिन टेस्ट हो रहे होते हैं, यानी इट्स नॉट बेसिकली कि हमने आपको 5 दिन सिर्फ पढ़ाना है और आपको टेस्ट नहीं लेना आपका, हमने आपका टेस्ट भी लेना है उसके अंदर, राइट आपको इवैल्यूएशन भी करके देनी है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस इस सारे के सारे सिचुएशन के अंदर जो है वो चलता है, हाँ हाँ कंपल्सरी लेक्चर्स हैं ऐसे ही बिल्कुल, ये सिर्फ कंपल्सरी के लेक्चर्स हैं, ऑप्शनल्स तो इसके बाद हैं, राइट ये अभी हमने सिर्फ कंपल्सरी के लेक्चर्स आपको देने हैं, ऑप्शनल्स में तो हम और आगे तक चले जाएंगे चीजों के अंदर, राइट वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी ऑप्शनल के अंदर अल्टीमेटली आप आते हैं, अब ये सारे का सारा अंडरस्टैंड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो आपको मैं बताता हूं, आप जब हमारे इस मेंटरशिप के लेक्चर्स के अंदर या हमारे पास बैच के अंदर आते हैं ना, तो हम करते ये हैं बेसिकली कि हम ना मेंटर्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, हमने उसको मेंटर असाइन कर दिया, आपका मेंटर मैं बन गया, जिनका मेंटर जैद बन गया, बकर बन गया, कोई और बन गया, मेरी बात समझ आती, फिर आप बैठते हैं मेंटर के साथ एक दिन हफ्ते में, मेंटर आपसे पूछता कि निकालो भाई क्या पढ़ा तुमने पूरे हफ्ते में, मैंने सर ये पढ़ाई ये पढ़ाई, नोट्स दिखाओ, नोट्स दिखाए, हमारे पास टेस्ट में कितने नंबर आए, सर टेस्ट में ये नंबर आ रहे हैं, क्या कर रहे हो पिछले टेस्ट के अंदर, आपको ये बात पता है कि हफ्ते बाद ना मुझे इसने छीलना है, ठीक है इसलिए डंडा लेके बैठा हुआ मेरे ऊपर, इसने मुझे पूछना है और इसने ना फिर मुझे जलील भी करना है सबके सामने, राइट
नोट्स में ही जो है बोर्ड से चीजें जॉट डाउन करने के, दिस इज नॉट जॉटिंग डाउन द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो डाउन टू दिस लेवल पे अच्छा एक टेक्निक होती है बाहर के मुल्क में. फॉर एग्जांपल यूं होता है कि जो आपका लेक्चर नोट्स है उसमें आपने ब्लू लाइन से लिखा है, जो एग्जांपल बताई जा रही है उसको ब्लैक से लिख लिया है, और जो आपका अपना एडिट पॉइंट है ना उसमें उसको आपने फॉर एग्जाम्पल ग्रीन से लिख लिया. ठीक है, स्पेलिंग अगर नहीं आपके फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली आपका स्पेलिंग डॉट डाउन में ठीक नहीं है, विच इज वाई आपका टेस्ट में भी ब्रेन जो है वो ग्राइंड बन रहा है. तो हाउ टू डील विद दिस इज वाई हम ये बात करते हैं कि हर बंदा इंडिविजुअली डिफरेंट है, एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन हैज हिज और हर यूनिक प्रॉब्लम, विच इज वाई ये आपका नोट्स देखना, आपकी छोटी छोटी चीज देखना ना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोई नहीं करता, नोबडी वुडली takes that sort of pain. आपके बहुत सारे मसले ना इन्हीं चीजों में हल हो जाते हैं. आप कुछ कुछ भी अंडरस्टैंड आपने जितने भी हमारे साथी होगा कंपलसरी का और ऑप्शनल का, उसमें जो आपने टेक्निक्स बताए हैं कि इसके टेक्निक्स बताए गए हैं, ये उसी तरह के मामले जो उसके बारे में से होते हैं इसके तो फाइन हम देते हैं हम के ऑप्शन भी है कंपलसरी का और तो बाकी इंक्लूडेड है उसके अंदर इसके अंदर इंक्लूडेड है. इसमें मेंटरशिप की सारी क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड है. आपने अगर मेंटरशिप के लिए साइन अप किया हुआ है राइट, तो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है. ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये इसमें से कोई, मैं देखें लाइव जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड भी है मैडम, आप बाद में मुझे पकड़ लेना ठीक है, कि जी आपने लाइव में कहा था मुझे कि जनाब ये सारे लेक्चर्स होंगे, होंगे मैडम इसके अंदर लेक्चर्स राइट. इसलिए तो हम लाइव इसलिए जाते, रिकॉर्डेड नहीं होता, हम लाइव जाते, हम इवन के स्टूडेंट्स को भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देते, हम कहते हैं लाइव इंटरेक्ट करो हमारे साथ. ये सारे फीचर्स जो है ना, इट इज बेसिकली अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम इटसेल्फ. और हम क्यों मेंटरशिप को एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि आप आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स लेते हो ना, आपको आफ्टर अ व्हाइल रियलाइज होता है कि मेरे फॉर एग्जांपल पेपर अटेम्प्टिंग नहीं आई, मैंने सिर्फ पढ़ा है. आफ्टर अ व्हाइल आपको फिर लाइब्रेरी अलग लेनी पड़ती है. आफ्टर अ व्हाइल फिर आपको क्या होता है, ऑप्शन अलग अलग लेते हो ना, आपका सम बहुत ऊपर चला जाता है. ठीक है, मनी वाइज नहीं, वो अलग है, वो अलग है. इसमें तो बेसिकली इट्स बेसिकली द फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक इसके पीछे वो अलग चीज है. वो पता क्या है, वो सीएचएस का प्रोग्राम अलग होता है, पीएमएस का अलग होता है. पीएमएस तो खत्म हो गया क्योंकि पीएमएस तो अब आ गया ना. ये जो आपको जितनी बातें अभी की गई है ना, ये आपके मेंटरशिप के अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है. लाइब्रेरी आपकी फ्री है, आपके ऑप्शनल, अगर आपको यूजली 10,000 पर सब्जेक्ट पड़ता है ना, आपको इसमें सिर्फ 60 के बजाय 27,000 का पड़ रहा है. तो यू आर कट बाय फ्लैट 55% आपका वो बच रहा है. आपको सेशन, स्पेशल सेशन और वर्कशॉप बाद में अलग नहीं लेनी पड़ती. हम क्यों वर्कशॉप करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि जो फिर वो पेनी वाइज है ना, वो पाउंड फुलिश हो जाता है. ठीक है, मेरी अम्मा जो है, सिंस मेरे नाना जो है वो एक व्यापारी थे दिल्ली में, वी वर माइग्रेटेड, तो वो कहती थी कि सस्ते का मरे बार बार और महंगे का मरे एक बार. ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेंटरशिप के अंदर ही हैं आपको. और दूसरी चीज, मैंने बात शुरू यहाँ से की थी कि बार 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 6,000 चीजों में एनरोल नहीं करना पड़ता आपको. विद इन वन डोज ही टेस्ट, पेपर अटेम्प्टिंग, स्पेशल सेशन, नोट मेकिंग, लाइब्रेरी, बुलेटिन, ब्रेकडाउन, एवरीथिंग, हर चीज एक ही दफा में करनी है. बार बार आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा. देयर आर नो हिडन चार्जेस और हिडन glitches or gimmickry to it. ये आप, और एक और चीज मैं सॉरी एक और बता दूं, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट पूछ रही थी, जो कि कॉमन क्वेश्चन होता है कि डू यू ऑफर स्कॉलरशिप्स. यस वी ऑफर स्कॉलरशिप्स, बट एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं उस दिन भी स्टूडेंट्स को वैसे क्लास में पढ़ा रही थी, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स. ये क्या होता है, किसी को आइडिया है? अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. ठीक है, आप जब अल्लाह ताला आपको आपके डिजायर्ड ग्रुप में पहुंचाए, तो जब आप पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो यू विल सी के दुनिया भर ना इसके बड़ा खिलाफ है. ठीक है, दुनिया में ये कहा जाता है कि भाई जब आपने अनकंडीशनली किसी को कैश ट्रांसफर किया है ना, महीने के 2,000-4,000 एंड पे ना, वो माजूर हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है. ठीक है, ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड GDP, टू द नेशन GDP. अगर आप उसको 4,000 रुपए दो ना, ये कह के कि भाई तुमने मुर्गी लेनी है या सिलाई मशीन लेनी है या कोई छोटा बहुत धंधा कारोबार बनाना, ठीक है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंटरप्राइज, तो क्या होगा कि कल को वो आपके 2,000-4,000 की भीख पे जो है ना, वो डिपेंडेंट नहीं होगा और वो GDP पे भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा.
ठीक है, अप्लाई दिस टू द स्कॉलरशिप्स. लास्ट ईयर हमने ऑपरेशनल थे ओनली बिटवीन सितंबर टू फरवरी, पिछले जो 2022 के पेपर्स का सेशन था, बिकॉज इससे पहले आपका तो, इससे पहले तो मई में ही पिछला सीएसएस खत्म हुआ था. जून जुलाई दो महीने हमने छुट्टी लेने की कोशिश कर ली थी बिकॉज वी वर बिजी गेटिंग मैरिड. ठीक है, तो ये 6 महीनों के अंदर ना हमने ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स को केटर किया था. ठीक है, इन 400 में से 65 बच्चा 65 बच्चा ऐसा निकल आया था जो कि एक्सेप्शनली गुड था. ठीक है, जहां पे उनके केस में मुझे रियलाइज हुआ था कि अब अगर ये बच्चा किसी चीज से मार खाएगा ना तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से मार ना खा ले, जिसके लिए हमने साल के एंड पे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की एक अलग से वर्कशॉप की थी. वो अभी भी हमारे प्रोफाइल के ऊपर पड़ा हुआ है. 65 पीपल वर गिवन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, 65 बच्चा इन 400 में से हमने वो सिलेक्ट किया था जो कि बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली पूरा साल अच्छा परफॉर्म किए. उन्होंने मांगा भी नहीं था कि स्कॉलरशिप चाहिए, उन्हें पता भी नहीं था. जिस तरह मुझे नहीं पता था ना मेरे नाम से बुक छपी हुई है, इन्हें भी नहीं पता था. इनको मैंने खुद कॉल करवा के कहा था कि आ जाओ, आके बैठ जाओ. एंड दे लर्नड अ लॉट विद इन दैट वर्कशॉप. कहने का मकसद ये है कि ये जो स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, आई बिलीव इफ यू डोल इट आउट एज सच उसका फायदा नहीं होता. यू हैव टू अर्न इट. आप एक दफा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, आपको यकीन करें कहना नहीं पड़ेगा. कहे बगैर ही आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में फ्री के तौर पे इनरोल कर दिया जाएगा विदाउट मेकिंग अ पब्लिसिटी अबाउट इट. वो नेम्स आज तक किसी को नहीं पता चले कि फलां को मिली थी या उसको नहीं मिली थी. आप 3 बच्चे अगर साथ बैठे हैं तो साथ वाले को ये नहीं पता था कि मैं पे करके आया हूँ या मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स. प्लीज अर्न इट बाय हार्ड वर्क. क्योंकि अगर इस तरह से स्कॉलरशिप्स डोल आउट होने लगी ना, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन पे डिजर्विंग था कौन नहीं था. ठीक है, अपनी मेहनत से उसको डिजर्व करें, अर्न करें. जी, व्हाट अबाउट पीएससी सेशन? तो पीएससी हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है. इनफैक्ट आपके पहले पहले लेक्चर्स पीए और करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के ही होने हैं. ठीक है, ये अच्छा जी. सो क्वेश्चंस को जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ हम देखते जाते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमारे पास चीजें जो हैं वो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जो बाकी भी आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करते हैं. जी, सारे के सारे क्लासेस होंगी जी इसके अंदर, करंट अफेयर्स की भी, पाकिस्तान अफेयर्स की भी, इंग्लिश की भी, सबकी क्लासेस इसके अंदर अल्टीमेटली होंगी. आए जरा दो चार चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो कि मैं अब आपको समझाता हूँ. अगर आप लोगों ने ना 2022 का सीएसएस का इम्तिहान दिया या सुना, या आपके किसी दोस्त ने इम्तिहान दिया, तो आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा या देखा होगा कि उस साल ना पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर ना स्टूडेंट्स के नंबर पता किस तरह आए. किसी के आए 7 नंबर, किसी के आए 14 नंबर. ठीक है, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, मेरे 14 नंबर हैं और मैं सर गारंटी देने को तैयार हूं कि मेरे 14 तो एमसीक्यू ठीक थे. ठीक है, और मेरे यानी कि पूरे पेपर में कितने नंबर आए हैं? 0. और एमसीक्यूज में कितने नंबर आए? 14. अब इसकी एक बहुत सी रीजन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन अंडरस्टैंड करने वाले. जब मैंने वो रिजल्ट देखा ना, उसके बाद क्लास में मैं आया और क्लास के अंदर वैसे तो मैंने एक और टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन उनको मैंने कहा आज मैं आप लोगों ने एक टॉपिक एक समझाता हूँ चीज सबसे पहले अंडरस्टैंड करने वाली कि स्टूडेंट्स के नंबर क्यों नहीं आए इस पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर. उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है और आप लोग थोड़ा समझे अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा जरा माइंड को ओपन रख के बैठेंगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी. मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग अगर ऑलरेडी अगर सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या आप ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने ऑलरेडी सीएसएस की तैयारी की है, मुझे बताइएगा कि आपने कितने टॉपिक्स प्राइमरीली सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के नाम पे पढ़े हैं. आप सारे टॉपिक्स अब पढ़ते हो करंट अफेयर्स के नाम पे. ठीक है, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है ना वो तकरीबन ओवरलैप करना शुरू हो गया. राइट, अब टीचर पता क्या करता है, टीचर आपको करंट अफेयर्स का सवाल क्वेश्चन करवाता है और उसके बाद कहता है कि यही सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है. ठीक हो गया, तो लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि अगर ये सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आया तो मुझे लिखना क्या है इसके अंदर, मुझे करंट अफेयर्स के पेपर में और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में डिफरेंस कहां पे क्रिएट करना है. मेरी बात फॉलो हो रही? यानी मुझे अगर एक मैं सवाल दे दूं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि राइट अ नोट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, यही सवाल अगर मैं करंट अफेयर्स में दे दूं, यही सवाल अगर मैं पाकिस्तान अफेयर्स में दे दूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरी बात समझ आती? अगर करंट अफेयर्स में सवाल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और यही सवाल अगर मुझे पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा था उसने, तो कहां मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा? हमारा स्टूडेंट कहीं नहीं करता डिफरेंस क्रिएट. वही नॉलेज होता है उसका, क्योंकि उसने वो करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ होता है, उसी को उठाकर वो किधर लगा देता है? पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में लगाता है. यहीं पे नंबर कटते हैं. मेरी बात को याद रखिएगा,
ये मुफ्त का टोटका आपको मैं दे रहा हूं, आपने इसको बांध लेना अपने साथ, आपके पास बटवा है तो बटवे में रख लें मैडम, आपके पास पर्स है तो पर्स में रख लें। ये याद रखना है, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर हर सवाल के अंदर हिस्ट्री पे बात करना जरूरी नहीं होता, कंपल्सरी होता है। पाकिस्तान अफेयर्स के हर पेपर में हिस्टोरिकल एनालिसिस देना कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है। अगर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं आया तो ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर रहा ही नहीं है, ये आपका पेपर करंट अफेयर्स का बन गया। मेरी बात समझ आती है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। मुझे एक बात बताइए सर, आपने जो पाकिस्तान अफेयर्स कभी जिंदगी में पढ़ी, मुझे नहीं पता सोशल स्टडीज पढ़ी, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी के मुताला पाकिस्तान पढ़ी, क्या आपने सारी जिंदगी उसको हिस्ट्री के तौर पर नहीं पढ़ा? क्या मैडम आपने अगर पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी तो क्या आपने हिस्टोरिकली नहीं पढ़ी? आपका पढ़ाने वाला भी हिस्ट्री का प्रोफेसर, आपका पढ़ने वाला भी हिस्ट्री का स्टूडेंट, आप पेपर देने वाला भी वो स्टूडेंट जिसने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी हिस्ट्री में, राइट? आपका एग्जामिनर भी हिस्ट्री वाला, पेपर चेक करने वाला भी हिस्ट्री वाला। मेरी बात समझ आती? लेकिन अगर उसको हिस्ट्री का एनालिसिस नहीं नजर आएगा तो वो फिर आपको नंबर कभी भी नहीं देगा। मेरी बात समझ आती है? इन एवरी पेपर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री पे बात करना जरूरी है। ए, अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री का हेडिंग डाल सकते हो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हेडिंग डाल सकते हो, हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी की हेडिंग डाल सकते हो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की हेडिंग डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हेडिंग नहीं डाल सकते ना, तो फिर आप अपने एनालिसिस के अंदर हिस्ट्री पे बात करो, आप अपने एनालिसिस में हिस्ट्री ले आओ। मेरी बात समझ आती है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कोई छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक होते हैं ना, वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कैसे टॉपिक तकरीबन हर साल ही आता है, वो टॉपिक होता है 18th अमेंडमेंट। बात समझ आती है? अब सवाल क्या आता है 18th अमेंडमेंट पे, कि 18th अमेंडमेंट ना फेल हो गई है। आधे लोग कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक कर दो, वापस ले जाओ, या आधे लोग कहते हैं इसको फर्दर अमेंड करो, राइट? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द 18th अमेंडमेंट? अगर मैं ये करंट अफेयर्स में सवाल आया ना मेरे से कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द 18th अमेंडमेंट, तो मैं एनालिसिस में क्या करूंगा, मैं उसको एनालिसिस में ही बात बताऊंगा कि 18th अमेंडमेंट का पहला प्रॉब्लम ये है कि हमने सूबों को जो पावर्स दी हैं फ्रॉम द सेंटर, वो हमने एब्रप्टली डिस्ट्रीब्यूट की। एब्रप्टली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हमने एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के पास ना हेल्थ का पावर थी, ना एजुकेशन की पावर थी, ना पुलिस की पावर थी। हमने अब सारी की सारी पावर्स फ्रॉम द सेंटर किसको दे दी? प्रोविंसेस को। जब प्रोविंसेस को इतनी पावर एकदम मिली है ना, सारी की सारी पावर्स एकदम मिल गई हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग तो हुई नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने 60 साल कोई लॉ मेकिंग तो की नहीं है। जब इतनी सारी पावर इकट्ठी मिल गई उनको, तो फिर अल्टीमेटली हो पता क्या रहा है, उनसे वो चीजें संभाली नहीं जा रही। वो हेल्थ को पकड़ते हैं, पता चलता है एजुकेशन खराब है। एजुकेशन को पकड़ते हैं, पता चलता है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मेरी बात समझ आती है? पंजाब के अंदर हेल्थ के मसले चल रहे हैं, सिंध में एजुकेशन के मसले चल रहे हैं, बलोचिस्तान में पानी के मसले चल रहे हैं, क्योंकि पानी का पानी भी आपके पास आ गया एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मेरी बात समझ आती? ये तो करंट अफेयर्स आ गए। लेकिन अब आपको मैंने बताया कि अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल आए तो इसमें हिस्ट्री पे बात करना बहुत जरूरी है, या अगर किसी चीज की हिस्ट्री नहीं है तो आप हिस्ट्री के साथ जोड़ लो अपने एनालिसिस को। भाई 18th अमेंडमेंट 2010 में तो पास हुई है, मैं कितना पुराना चला जाऊं इसके अंदर, 12-14 साल ही पीछे जाऊंगा ना, 13 साल, इससे पीछे तो नहीं जा सकता। तो मैं अगर उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ूंगा ना, तो मैं पता क्या बताऊंगा, मैं आपको ये समझाना शुरू करूंगा कि अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना आपके पास डेमोक्रेसी का, राइट, ये आपको हिंदुस्तानियों को सबसे पहले गोरे ने सिखाया था। आपको तो पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है, आप तो राजे महाराजों के दौर में रहते थे, खान ऑफ फलां के दौर में रहा करते थे, राइट, महाराजा फलां के दौर में रहा करते थे, उसका बेटा महाराजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, राइट। आपको डेमोक्रेसी सिखाने वाला कौन? गोरा, ब्रिटिश। ब्रिटिश ने आपको डेमोक्रेसी सिखाई, फिर ब्रिटिश ने आपको बताया कि भाईजान एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस की पावर अलग होती है, लोअर हाउस की पावर अलग होती है, राइट। फिर उसने बताया कि फेडरलिज्म होता है, फेडरेशन होती है। फेडरेशन कहते हैं ऐसे सिस्टम को जिसमें पावर थोड़ी सी सेंटर और थोड़ी सी प्रोविंसेस में डिवाइडेड हो। अगर पावर सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइडेड है उसको फेडरेशन कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अगर पावर प्रोविंसेस के पास ज्यादा है और सेंटर के पास कम है तो कन्फेडरेशन होती है।
जिस तरह आजकल यूएई है, दुबई के अपने लॉज हैं, अजमान के अपने लॉज हैं, शारजा के अपने लॉज हैं, अबू धाबी के अपने लॉज हैं, मेरी बात समझ आती? तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हिंदुस्तान भी फेडरेशन बना था। तो कहने का मकसद है कि डेमोक्रेसी सिखाने वाला गोरा, फेडरेशन समझाने वाला गोरा, फिर गोरा क्या करता था, गोरे ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी, सूबों को पावर दी थी कि तुम लॉ मेकिंग करो। तो सूबों को पावर देने वाला गोरा, डेमोक्रेसी सिखाने वाला गोरा, राइट, फेडरलिज्म सिखाने वाला गोरा, तो आपको जब सब कुछ सिखाया ब्रिटिश ने था, तो आपको सिस्टम भी ऐसे डिवाइड करना चाहिए था जैसे ब्रिटिश डिवाइड करते थे। ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चेंज करते थे, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले वो इलेक्शन लेकर आए सिर्फ 6 सीटों पे, फिर लेकर आए 60 सीटों पे, फिर लेकर आए 100 सीटों पे, फिर लेकर आए 300 सीटों पे, फिर मुसलमानों को दिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फिर 1935 में जाके सिंध अलहदा किया बॉम्बे से, फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर आए इंडिया की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आए इंडिया के अंदर। यानी दे यूज टू चेंज द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। सो इफ यू लर्न द आइडिया ऑफ शेयरिंग द पावर फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यू शुड हैव डन द वे द ब्रिटिश यूज टू डू इट, एंड ब्रिटिश यूज टू डू इट किस तरह, स्टेप बाय स्टेप। यही हमारी गलती थी 18th अमेंडमेंट में। लो जी, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में मैंने जोड़ दिया किसके साथ, इसको हिस्ट्री के साथ, करंट अफेयर्स के पेपर में उसको मैंने उधर ही रहने दिया। मेरी बात समझ आती? अब स्टूडेंट नहीं करता ये डिफरेंस, वही सवाल वो करंट अफेयर्स में अटेम्प्ट कर रहा है, वही सवाल वो पाकिस्तान अफेयर्स में अटेम्प्ट कर रहा है। मेरी बात को समझ आती? तो क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स का, नंबर यहीं पर फर्क होते हैं, नंबर यहीं से कम होते हैं, नंबर यहीं से ज्यादा होते हैं, और हमारा तरीकाकार ही अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करने का यही होता है, राइट? तो हमने जब समझना है ना चीजों को, इसी तरह ही समझना है, अंडरस्टैंड करना है स्टेप बाय स्टेप लेकर सबकी सब चीजों, क्लियर है? इसमें सोर्सेस क्या होने चाहिए, राइट? हमने कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी से नहीं पढ़ना। अच्छा, आपको हर बंदा को बात करेगा ना, अच्छा जी आए जी, किसी से पूछे, अच्छा यार ये सीएसएस की तैयारी शुरू करनी है, हाँ जी कौन सी किताब पढ़ना शुरू करें, ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, राइट? अच्छा, मेजोरिटी वो लोग आपको ये मशवरे दे रहे हो तो जिन्होंने ये किताबें खुद भी नहीं पढ़ी होती, राइट? उन्होंने सिर्फ सुनी होती है आगे से भी। अच्छा, आप ऐसा करो, आप ना पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लो, एनाटोली लीवन की किताब, हर बंदा आपको रिकमेंड करेगा। आप एक काम करना, पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ के ना उसकी बातें ना सीएसएस के पेपर में लिख देना, एग्जामिनर फेल कर देगा। आप सारी एंटी स्टेट बातें लिखता है, वो कहता है ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, डेमोक्रेसी भी फारिग है इनकी, फौज तो वैसे ही फारिग है, अदलिया भी फारिग है, राइट? और आप ये काम लिखना अपने सीएसएस के पेपर में, उसे यह कहना कि सर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी फेल है, यहाँ पे अदलिया भी फेल है, राइट, यहाँ पे आर्मी भी फारिग है। वो बेटा पता क्या करेगा आपको, कहेगा बेटा फिर आप क्या करने आ रहे हो यहाँ पे, राइट? और आप नीचे लिख देना अकॉर्डिंग टू एनाटोल लीवन, और आप कहोगे सर मैंने ना पढ़ी थी एनाटोल लीवन। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, जिसना मैडम बात कर रही थी ना, हर किताब में से हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती, हर किताब की कोई ना कोई एक आधी बात या एक आधा चैप्टर ऐसा होता है जो कि असल क्रक्स होती है, जहां से आपने वो उठाना है उतना पढ़ लेना है। हमने वो जो लिस्ट कंपाइल की हुई है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये किताब है, इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है, राइट, इसमें से ये पढ़ना है। फिर क्या होता है, हम किताबें असाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स को, आपको दो किताबें मिल गई, आपको दो मिल गई, आपको दो मिल गई, टाइम आ गया है प्रेजेंटेशन देने का, मैं अपनी किताब पर प्रेजेंटेशन दूंगा, राइट? आप मुझसे उस टॉपिक पर सवाल करोगे कि इस किताब में क्या लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, तो आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुन के उस किताब का अंडरस्टैंडिंग कर ली। फिर आपकी बारी आ गई, यहां पे खड़े हो गए, फिर आपने अपनी किताब के बारे में बारीक बात की और मैंने आपसे सवाल किया, तो जब हम कमरे से निकले ना, तो आपको मेरी किताब के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी और मुझे आपकी किताब के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, रादर देन के मैं आपको कहूं कि पेंसिल की पेंसिल किताबें पढ़ो बैठ के। तो आप जब ये 2-2.5 महीने के बाद निकलेंगे, तो आपको उन सारी किताबों का नॉलेज होगा जरूर अपने पास, कि यू कैन टॉक अबाउट दिस आइडिया कि इस किताब में ये बात लिखी हुई है, राइट? मेरी बात समझ आती है? तो ये एक आइडिया है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे सारे का सारा, ठीक है जी? तो ये जो है, तैयबा कह रही है अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस किताब का कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो इसलिए अच्छी बात है ना, क्योंकि उसकी रीजन है कि हर बंदा आपको रिकमेंड करेगा कि जी ये किताब पढ़ लें, ये फलां किताब पढ़ लें। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं, हर किताब ना, हर किताब पढ़ने का टाइम होता है, कुछ किताबें, कुछ किताबों की प्रीरिक्विजिट होती है कि ये किताब पहले पढ़नी है फिर ये किताब पढ़नी है। मेरी बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि आप ये काम करें, आप ना IH कुरैशी की किताब पढ़ें, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री के लिए, ठीक हो गया? और फिर मैं आपको साथ पता कहूँ, आप कहूँ कि आप ऐसा करें, KK अजीज की किताब पढ़ें, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, दोनों किताबें पढ़ लें, मर्डर ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ लें और मेकिंग ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ लें। अच्छा, अब KK अजीज ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री में ये बताया कि हमने हिस्ट्री के अंदर किताबें लिखते हुए क्या क्या मर्डर किए हैं,
हिस्ट्री के साथ, बंदों के नहीं, हिस्ट्री के क्या क्या मर्डर किए हम। और आईएच कुरैशी बताता है कि हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया। अब आप एक काम करें, मर्डर ऑफ हिस्ट्री पहले पढ़ लें, ठीक है, और फिर जाके आप किताब पढ़ना शुरू करें दूसरी। आपके को यार क्या बात है, झूठ लिख रहे आईएच कुरैशी, मेरी बात समझ आती। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या होगा, बड़ा चेंज हो जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू किताब पढ़ के, क्योंकि आपने कुछ किताबें जो पहले पढ़नी थी वो बाद में पढ़ी है, और जो बाद में पढ़नी थी वो पहले पढ़ी। मेरी बात समझ आती है। तो ये चीजें भी अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है कि बुक्स को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं या पढ़ते कैसे हैं, ये कौन सी किताबें लिखनी, पोस्ट 1947 कौन सी पढ़नी है, प्री 1947 कौन सी पढ़नी, मेरी बात को फॉलो होती। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना मैं आपको दो चार चीजें ना आपको और समझाता हूँ जिसको ना फोकस करना बहुत जरूरी है। हम बार बार इस पर एम्फोसाइज करते हैं, मैडम तो और ज्यादा एम्फोसाइज करती हैं, मैं भी कुछ हद तक एम्फोसाइज करता हूं इस बात के ऊपर। आपने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी लिखना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी लिखने का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कोई चीज करंट अफेयर्स में पढ़ी थी, आपको किस अल्लाह के वली ने रोका है कि वो चीज आप ऐसे के पेपर में नहीं लिख सकते, कि ऐसे का पेपर वाला आपको चेक करके कहेगा यार ये तो तुमने ज्यादती की, ये तो तुमने मैडम नूर से पढ़ा था और तुमने तुम्हें करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, उसको क्या पता भाई कि तुमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। जो चीज आपने ऐसे में पढ़ी है वो क्यों नहीं लगा सकते हम करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में। जो मैंने एनवायरमेंटल साइंस में कोई चीज पढ़नी है एज ऑप्शनल, तो जनरल साइंस के पेपर में भी तो एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन आना है, तो मैं उठा के वहां क्यों नहीं लगा लेता वो। मेरी बात समझ आती। मैं कुछ साइकोलॉजी में कोई चीज पढ़ता हूं तो मैं उसको उठाकर करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में क्यों नहीं लगा सकता। इंटरडिसिप्लिनरी लिखना जरूरी होता है। जब आपको ये टेक्निक समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको ना ये होगा कि सर ये जो एक चीज मैंने पढ़ी है ना, ये मैंने ना पांच चीजों में लगाई है और इतनी पक्की हो गई है मेरी ये चीज, राइट, कि मुझे ना बार बार मुझे ना आदत बन गई इस चीज को बार बार लिखने की, रिपीट करने की, राइट, मैं बार बार इसको प्रैक्टिस कर ली है। मैंने एक थ्योरी पढ़ी है जो मैंने करंट अफेयर्स में भी लगाई है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी लगाई है, एसए में भी लगाई है, सब जगह लगाई है। इंटरडिसिप्लिनरी लिखना थोड़ा सा सीखें, राइट, और यही हमने आपको इंशाल्लाह जो है ना यहां पर सिखाना है। हमने आपको ये भी बताना है, जब फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होता है, फॉर एग्जांपल पीएमएस का तैयारी कर रहे थे, तो पीएमएस की तैयारी के अंदर ना उर्दू की हम तैयारी कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने मेरे से सवाल किया कि सर उर्दू में नंबर कैसे ले। मैंने कहा बात सुनो, उर्दू के अंदर ना आपने नंबर लेने के लिए ना एक काम करना है, आपने आप उर्दू के अंदर अंग्रेजी की कोटेशन भी लिख सकते हो, फारसी की भी लिख सकते हो, अरबी की भी लिख सकते हो, पंजाबी की भी लिख सकते हो, राइट, पेपर को डिफरेंट क्रिएट करना है ना आपने। इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएट करो चीजों के बारे में। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, मैं फिर मैं आगे चलता हूं, मैडम को मैं हैंड ओवर करूंगा। आप पढ़ते हो एक टॉपिक करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में, ग्लोबल वार्मिंग का। मैं आपसे पूछता हूं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या आ रहा है दुनिया के। आप कहते हो सर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ये आ रहा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ये आ रहा है कि जनाब आपके पास जो है ना वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, इररेगुलर वेदर पैटर्न्स होना शुरू हो गए, राइट, ग्लोबल वार्मिंग से। अच्छा, और एक स्टूडेंट है वो उसमें पता क्या लिखता है, वो लिखता है ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट ये आ रहा है कि दुनिया में क्राइम रेट इंक्रीज कर गया, राइट। अब क्राइम रेट का इंक्रीज करना ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्टिविटी में कैसे आता है, ये तो वैसे कहीं भी पेपर में नहीं लिखा हुआ। फिर वो मुझे पेपर में समझाता है कि सर साइकोलॉजी ये कहती है कि एक इंसान को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल परफॉर्म करने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अगर आप उसको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना दो ना, तो उसके अंदर की अच्छी चीज बाहर निकल के नहीं आती। अ पर्सन नीड्स टू हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू परफॉर्म वेल। इंटरनेशनल ग्लोबल टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ना इफेक्ट उनके यहां पर भी आ रहा है, इस माइंड पे भी। इस माइंड पे जो उनका इफेक्ट आ रहा है ना, उससे उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी क्या होना शुरू हो गई है, कम हो गई है, और मेजोरिटी लोग किधर मूव कर गए हैं, क्राइम रेट की तरफ। उसने साइकोलॉजी के आइडिया को उठाकर मुझे किधर जोड़ दिया, क्राइम रेट पे। एक बंदे ने बताया था टेम्परेचर राइज करता है, दूसरे ने कहा था टेम्परेचर भी राइज करता है और क्राइम रेट भी राइज करता है। मुझे बताएं नंबर किसके ज्यादा आएंगे, जिसने इंटरडिसिप्लिनरी लिखा। क्योंकि एग्जामिनर के लिए डिफरेंट अप्रोच है। एग्जामिनर कहता है कि यार ये कैसी बात है जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और उसने साबित भी किया कि उसने ठीक बोला। और यही बात हम जो बात कर रहे हैं, इसको इसी तरह लेकर चलना है, आपने इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज को लेकर चलना है। क्योंकि जब इंटरडिसिप्लिन लिखेंगे ना, तो आपके पास ना ज्यादा कुछ लिखने वाला होगा। याद रखिएगा मैं दो चार बातें आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं ना, उसको अंडरस्टैंड करें। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के अंदर ना, सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में डेप्थ ऑफ नॉलेज से ज्यादा पता क्या मैटर करता है, ब्रेथ ऑफ नॉलेज।
कि आपने एक चीज को कितने एंगल से एड्रेस किया है। आपने साइकोलॉजी के आइडियाज को चार एंगल से डिस्कस किया, आपने करंट अफेयर्स के अंदर छह डिफरेंट अप्रोचेस लेकर आए हो, मेरी बात समझ आती। सो रादर देन गोइंग फॉर द डेप्थ ऑफ नॉलेज राइट, ऑल्सो फोकस ऑन द ब्रेथ ऑफ नॉलेज, विड्थ ऑफ नॉलेज। वो जितनी ज्यादा विड्थ होगी आपकी नॉलेज की, उतना ज्यादा एग्जामिनर के लिए डिफरेंट अप्रोचेस होंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने आपको सिखानी ये चीज, आपको जो बताना है समझाना है कि अच्छा इस सब्जेक्ट की नॉलेज को इधर कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसा मैडम बात कर रही थी ना कि आपके पास जो ना वो लिटरेरी एसेज आ गए हैं, तो लिटरेरी एसेज के अंदर वो दौर गुजर गया कि आपको जनाब किसी ने एकेडमी में पढ़ाया कि आज हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे ग्लोबलाइजेशन पे, कल पढ़ाएंगे डेमोक्रेसी पे, परसों पढ़ाएंगे ग्लोबल वार्मिंग पे, अगले दिन पढ़ाएंगे एनर्जी क्राइसिस पे, आपका ऐसे का सेशन हो गया पूरा। सब टॉपिक पता क्या आ गया, वॉइस विल बी वॉइस, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और वे बाद में पता कहते हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ रही हैं मार्केट में, और भाई भाई जान ये अभी से नहीं आ रही, ये काफी देर से ही आ रही थी आउट ऑफ द बॉक्स लिटरेरी एसेस, क्योंकि आपने खुद यही टॉपिक तैयार किए हुए थे और वही आपने चला दिए राइट। तो लिटरेरी एसेस में तो भाई जान आपको ये समझाना पड़ेगा टीचर को कि भाई जान वहां बैठ के बॉयज विल बी बॉयज को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, असल कहानी तो तब टीचर की समझ आती है। सो ये आइडियाज हैं इंटरडिसिप्लिनरी लिखने के, जो कि इंशाल्लाह हमने आपको जो है वो सिखाने इन सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जी आपके पास, हैंड ओवर टू मैडम। अच्छा मैं बस वाइंड अप करूंगी, बट उससे पहले आई विल जस्ट टेक द क्वेश्चंस लेके बस इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एज फॉर अस तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है तीन घंटे भी बोलना, बट ऑब्वियसली ऑन द फर्स्ट डे अभी क्योंकि आपकी अम्मा ने आपको वापस जाके प्यार भी करने के मेरा बच्चा इतना पढ़ के आया है तो आपको ज्यादा नहीं पता, सल्ले पे भी बैठना है आपने कि आज बस सोशल मीडिया बंद और आज से जनाब प्यारी शुरू। जी सवाल, रिकमेंडेड बुक्स लिस्ट का आप दो तीन लोग पूछ रहे हैं, नो इट्स नॉट ऑन इंस्टा, ये चीजें बुक शॉप पे अवेलेबल हैं, आप बुक शॉप से ले लें, ऑनलाइन आप ऑनलाइन ले लें, कैंपस वाले कैंपस से ले लें, ठीक है जी। हाँ उसके अलावा यस इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद द मेंटर्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अंडर द सन, मैं बार बार बात कर रही हूँ। सिर्फ किताबें आपने अपनी लेनी है, क्योंकि किताबें एज अ जनरल रूल हम बचपन से अपनी खुद लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वट एवर एल्स जो बात हुई है वो इसमें है। जॉब के साथ मैनेज करने का तरीका ये होता है इरम के, अगेन हमने बात की है आपने लेक्चर्स लेने हैं, आपने साथ 5 to 4 to 6 आवर्स दिन के निकालने हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पर्टिकुलरली उसको किस तरह से मैनेज करते हो, बट अगर आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात पूछनी हो तो मेरा यह ख्याल है कि अगर आपने एक मंजिल तय कर ली है जिस पे पहुंचना वही है, आगे ही जाना है, पीछे किसी से नहीं, आपने छोड़नी ही है, तो देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज एज वेल, ठीक है। फिर आप देख लें कि आपने जिंदगी भर इसी जॉब में स्टक रहना है या आपने आगे बढ़ना है। इन माई केस पर्सनली भी मैंने जॉब जो है वो नहीं की, और वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक डिसीजन था, क्योंकि हाउस जॉब आप ना करो, अपने फाउंडेशन ईयर को ना करो, तो अगले दफा फिर आपको अनपेड भी काम करना पड़ता है, और आपकी वो जो आपका ग्रेडिंग का सिस्टम है स्पेशलाइजेशन में, उसमें भी आप नीचे हो जाते हो। ये इतनी बड़ी कश्ती जलाई थी, इट ऑल्सो बिकेम अ मोटिवेशन कि फिर अब फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, वरना इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। यस टेस्ट सीरीज एज वेल, उसमें स्पेशली सबसे जरूरी चीज है कि मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन जब तक नहीं होता उस तरह के टेस्ट का फायदा नहीं होता। सो आपके एवरी वीक जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसी वीक के अंदर ही फीडबैक करवाया जाता है, और वो मोस्टली मैं और सर खुद ही करते हैं ताकि आपके ज्यादा उसके अंदर बेहतर तरीके से तसल्ली हो सके। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही उसको डील करते हैं। मेमोराइजेशन कितनी रिक्वायर्ड है सीएसएस के लिए, देखिए सिमगा बात यह है कि जितने भी दुनिया के डिसिप्लिन हैं ना उनमें टू सम एक्सटेंट मेमोराइजेशन चाहिए। अब आप अगर इंजीनियर हैं तो कुछ ना कुछ नंबर्स फैक्ट्स आपने याद किए हैं, एज अ डॉक्टर मैंने बहुत ज्यादा डोजेज वगैरह को याद किया, नामों को होंगे तो आपने बहुत सारी चीजों को लॉ से रिलेटेड याद किया होगा, मैथ्स में आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज को थ्योरीज को जो है वो रट्टा मारा होगा। तो टू सम एक्सटेंट आपकी मेमोराइजेशन ऑब्वियसली जरूरी है, बट ऑब्वियसली इट गोज इन हैंड विद द एनालिसिस, क्योंकि जब तक आपको डीपर समझ नहीं है ना तब तक बेसिक्स को भी जो मेमोराइज करना है वो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ हद तक मेमोराइजेशन होती है, देर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ कुछ हद तक चीजों को याद रखना जरूरी है।
गौहर बार बार ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे मैं कर चुकी हूँ आंसर रिगार्डिंग ऑप्शनल्स कि उसके आपके 3 से 4 सेशन होते हैं तब ये चीज डिसाइड होती है, उससे पहले प्लीज डोंट गो इनटू दिस डिसीजन। आपको कभी भी कोई टेबल चेयर पे बैठ के गाइड कर देना कि ये ऑप्शनल रख लो, प्लीज एक्सेप्ट कि दैट इज अ स्कैम, क्योंकि मोर ऑफ्टन देन नॉट वो आपको वो सब्जेक्ट बता रहे होंगे तो वो खुद पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आपने सब्जेक्ट वो रखना है जो आपके लिए कंड्यूसिव हो और उस पर हम ज्यादा से ज्यादा सेशन ही करेंगे, ठीक है। नूर जो आप बात कर रही है ट्रांसलेशन हो गई प्रेसी हो गई, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसे प्रेसी की प्रैक्टिस ना ऑल ईयर राउंड चलती है, वंस यू आर डन विद द लेक्चर तो आपको वंस एवरी वीक एटलीस्ट एक चीज प्रैक्टिस करके दिखानी चाहिए। किसी हफ्ते एक आउटलाइन चली गई, नेक्स्ट वीक कोई ट्रांसलेशन, नेक्स्ट वीक कोई कॉम्प्रिहेंशन, फिर कोई प्रेसी आउटलाइन, ये चलता रहता है, वरना ये बड़ा वोलेटाइल नॉलेज होता है, स्किल बेस्ड नॉलेज है, हाथ से निकल जाएगा छोड़ देंगे तो। टाइमिंग्स जो है ना अनम, टाइमिंग्स है आपके मॉर्निंग 9 to 2 है और इवनिंग 4 to 9 है, ठीक है। रिकमेंडेड मैं शायद पर्सनली मॉर्निंग कहूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ना जनरली बेहतर कर जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है, आपका ओवर द होल डे टाइम मैनेजमेंट ना बेहतर हो जाती है आपका, क्योंकि नेचुरली बॉडी का साइकिल चलता है उसके साथ, इट गोज बेटर। इफ यू हैव टू टेक माय रिकमेंडेशन तो प्लीज कोशिश करें कि मॉर्निंग को ही कर लें, आपका स्केड्यूलिंग टाइम टेबल मैनेजमेंट सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। इससे फायदा ये होता है समय जो शाम को जो क्लासेस लेते हैं, I'm not saying everyone, but I have seen over the course of time, over the 6-7 years, वो प्रोक्रेस्टिनेट पता कैसे करते हैं, उठते 12 बजे दोपहर को, फिर हमने तो शाम को जाना क्लास है, ठीक है, तो उनका टाइम ही मैनेज हो रहा होता, और शाम को क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें क्लास नहीं होती है, और फिर रात को बैठते हैं कि रात को तो हमने बाकी फैमिली को भी तो टाइम देने, सुबह को जो क्लासेस होती हैं आपका एनर्जी लेवल आपका टीचर का वो भी बेहतर होता है, राइट, एनर्जी लेवल सुबह तो दैट इज व्हाई वी रिकमेंड, दोनों कम ही पढ़ाएंगे सुबह शाम, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बंदा मशवरा दे तो अच्छा दे, आप भाई शाम को है जो है हमारे पास सेशंस जो है शाम को भी के लिए बेटर, सुबह को भी के लिए बेटर, इट्स अप टू यू। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि शाम को भी यही क्लासरूम और यही एनवायरनमेंट होगा ना, बोर्ड वगैरह नहीं, शाम को ना हम कॉपी पेंसिल पे कैमरा रख के पढ़ाएंगे, ठीक है रिदा, ऑब्वियसली दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे पढ़ाया जाता है, 7-2 क्लासरूम्स और हैं मल्टीपल क्लासेस के लिए, लेकिन सारा कुछ सेम रहता है, हमारी तरफ से कोई बायस नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं एज अ स्टूडेंट ना शायद मॉर्निंग बैच को ज्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है। और कुछ बाकी सारी तारीफें और हार्ट इमोजीज हैं, आप लोगों के कोई सवाल इन द मीन टाइम? फैकल्टी के बारे में बता दें, मैंने इंग्लिश ऐसे पढ़ाने, ठीक है, सर ने करंट पाक फर्स्ट पढ़ाने, और मैं कंपल्सरीज में वो सिर्फ इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाऊंगी, बिकॉज इतना क्लटर करने का फायदा नहीं होता। उसके अलावा स्पेशल सेशंस जो हैं वो बिटवीन माई सेल्फ एंड सर एंड अ फ्यू सेशंस बिटवीन सर उमेर जो हैं वो डिवाइडेड हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे देखो पेपर अटेम्प्टिंग ज़्यादा आती है, मुझे पता है कि वो चीज़ वो मैंने बेहतर की थी, मैं उस पर बेहतर गाइड करूँगी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री पर सर की ग्रिप ज़्यादा है, वो बेहतर कर लेंगे, ठीक है। मेंटर्स के साथ जो सेशन है वो विद रिस्पेक्टिव मेंटर्स जो हैं वो, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो प्रेसी के लिए देयर इज सर करीम, सर करीम जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, रिफा, अच्छा अच्छा ठीक है, रिफा यूसीपी में भी पढ़ाते हैं, 8 साल से आई थिंक वो पढ़ा रहे हैं, 8-9 साल से, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो मुझे प्रेसी के लिए मिले। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर का ट्रेड सीक्रेट ये है कि फाइंडिंग एंड हायरिंग अ गुड टीचर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोगों ने 1-2 महीने इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा चीजें देखी, लोग भी देखे, बट अपने एक्सपीरियंस में भी मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं भी CSS कर रही थी ना, तो दीज आर द टीचर्स जिनको मैंने बेस्ट एग्रीगेट पाया। इस्लामियत के लिए हाफिज अरशद चद्दर साहब हैं, जो सराज इस्लामियत के ऑथर भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर टीचर्स, जो आपका सिर्फ ये नहीं होता इस्लामियात के अंदर कि ना आप पढ़ाएं या सरमन दे जाएं, इस्लामियात में इट इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड टीचर, क्योंकि वो टीचर होते हैं या तो सिर्फ जो कहानी करें या फिर सरमन दें, दो रेफरेंस लिखवाएं और चले जाएं। सर की बेस्ट बात यह है कि वो जब जाते हैं तो बोर्ड जो है ना वो रेफरेंसेस से भरा होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद कि आप फिर 4 किताबें अलग से खोलें, ठीक है। जनरल साइंस सर उमेर पढ़ाएंगे,
यहाँ पे बैठे हुए। जनरल एबिलिटी के लिए सर नुमान है, अगेन उनको भी 8 साल का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का। साइंस और एबिलिटी के टीचर्स अलग है क्योंकि वो चीजें अलग है, अलग लोगों को ही पढ़ानी चाहिए। क्या रह गया पॉलिटिकल साइंस के अंदर? अगेन हमने जो चीज खुद भी देखी वो ये थी कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी ना वाइडली डिफरेंट डोमेन्स हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल अलग है, फलसफा है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं बिल्कुल अलग हैं, जो उससे करंट अफेयर्स या लोकल इश्यूज 18th अमेंडमेंट है बिल्कुल अलग है, विच इज वाई उसको भी एक टीचर को असाइन नहीं किया गया क्योंकि उसमें ना हमेशा तबाही होती है। उसको हमने खुद के बीच में स्प्लिट किया है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 मैंने पढ़ाना है क्योंकि जो फिलोसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए ना आपका सर्टेन स्किल डेवलप करना, सर्टेन थिंकिंग का माइंडसेट, और फिलोसफी को अगेन आप खुद से पढ़ने बैठते हो ना आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उस सारी डेप्थ को कूजे में बंद करके देना, दैट इज अप टू मी। पेपर 2 जो है वो सर मोजम ने पढ़ाने, क्योंकि लॉ बैकग्राउंड रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस को, पाक अफेयर से रिलेटेड इश्यूज को, लोकल इश्यूज को वो बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो उसका स्प्लिट इस तरह से। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए और जो आपके जेंडर ये वाली जो सारी फैकल्टी है ना, ये मैं चाहूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता हम रोल आउट करके आपको अनाउंस करें। द फैकल्टी इज डिसाइडेड, मैं अभी सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की बात कर लेती हूँ जो हमने खुद पढ़ाने हैं कंपल्सरीज के अलावा। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनोलॉजी सर ने पढ़ाने, इसके अलावा और कोई ऑप्शनल मैंने नहीं पढ़ाना क्योंकि काम उतना ही करना चाहिए जितने के साथ आप जस्टिस करो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बाकी सब्जेक्ट्स मैंने खुद नहीं पढ़ाने, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने कंपल्सरीज के टीचर्स का आपके सेमिनार के नेक्स्ट डे निकाला था पोस्टर। ऑप्शनल्स का भी ये कि आई वुड लाइक कि हम आहिस्ता आहिस्ता बताएं साथ साथ, क्योंकि देखो वो तो होता बताए क्या है, सर्टेन दूसरों के कोई मेंटर्स आप के पास अगर आ रहे हो ना तो वो प्रॉबेबली थोड़ी सी वो इनसिक्योरिटी या वो चीज हो जाती है ऑन अदर पर्सन पार्ट। हमारा ये नहीं होता कि हम ना किसी टीचर को स्लेव बना लें कि तुमने यही पढ़ाना है बस और कहीं नहीं। ये एक पॉलिसी कुछ लोगों की होती है विच इज वाई फिर वो टीचर के लिए ना मसला होता है कि अगर आप पहले से उनका नाम बता दो फिर उन्हें तंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज है कि फैकल्टी हमारी डन है, एवरीथिंग इज पुट इन प्लेस, फैकल्टी की तसल्ली है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो है वो रोल आउट हो जाएंगी। दोनों है, सेपरेट नहीं है। उसकी जो डिटेल है ना वो आई वुड प्रेफर आप मैडम से ले लें, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका ये जो छोटा है थोड़ा सा बात उस पे कर दी। चलो 70 जो है ना ये सिर्फ है कंपल्सरी का। अगर आप जनरली अभी विद द बल्क लेते हैं ना तो आपको 60,000 जो पढ़ना है ना ऑप्शनल्स का वो 60 के बजाय 27 पड़ेगा, ठीक है, तो ये 97 का बंडल हो जाता है तो वो आपके ऊपर, क्योंकि देखिए ना अभी आपके ऑप्शनल नहीं डिसाइडेड, अभी यू जस्ट हैव टू एनरोल योरसेल्फ। ऑप्शनल्स आपके डिसाइड होंगे ना तभी आप उनको बताएंगे कि मैंने ये पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑफर्ड सारे हैं, करवा सकते हैं एट एनी गिवन टाइम, इट्स अप टू यू, आपको हक है, आपको आजादी है। आपने मैं तो अभी कहा कि अभी नहीं सोचना कि मेरा क्या ऑप्शनल है, ठीक है। लाइब्रेरी है आपकी 8 AM to 8 PM अच्छा ये 5 दफा एक ही सवाल आया है। कितनी दफा होगा? मोस्ट लाइकली एवरी मंथ ही हो रहा होता है, लेकिन फिर वही बात है कि ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है क्योंकि आप उसको जितना लेट करेंगी ना कि अभी मैं कोई और किताब पढ़ लूं या मैं कुछ और कर लूं, आपका वो लेट होता जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 साल भी लगाए हैं CSS के ऊपर, इतने सालों में ना MBBS हो जाता है, ठीक है, तो उसको जितना डिले करेंगे वो डिले हो जाएगा। मॉनसून की बारिशों के महीनों के अंदर ना वैसे इंसान कहता है चलो पकौड़े शकौड़े खाता हूँ, दफा करता हूँ, बीमार पड़ता हूँ, ठीक है, आता है सितंबर। सितंबर के अंदर इंसान सोचना शुरू करता है कि अब मैंने ना गैरेज कर ली, फिर पता चलता है अक्टूबर में तो रह भी थी, फिर वो फोकस सारे का सारा एमपीटी पे चला जाता है,
अक्टूबर एमपीटी में निकल जाते हैं, नवंबर दिसंबर में दो महीने रहती है, तो समझ आता है कि यार फरवरी में तो पेपर है मेरा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 2025 में दे दूंगा सीएसएस ना। आई हैव सीन दीज पीपल राइट, 25 में जो अटेम्प्ट देता है ना जाके उसने फिर एलोकेट 27 में होने और उसकी पोस्टिंग फिर जाके 28 में होनी, ठीक है। इसलिए प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, दिस इज नॉट बेसिकली हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, दिस इज अबाउट गिविंग द राइट डायरेक्शन and this is about giving everything to the student and telling everything to the student ki ye sach hai aur ye galat hai, hum yahan par khade hokar koi aisi cheez nahi, main agar chale aap bilkul open ho rahe hain na to chale main fir aapke sath do cheez cheez share karta hu madam, agar aap mujhe mauka dein zara mic ka main aapke sath share karta hu ye cheez, ab ye live main aapko bata raha hu, ye cheez main isliye live bata raha hu kyunki main iske upar na bada kafi cheezon jo hai na maine is pe dekhi hui hain, main naam liye bagair bolunga aur inshallah aapko na cheezein samajh aa jayegi। Hamare paas na is waqt इस इंस्टीट्यूट के अंदर ना एक नई फोर्स जनरेट हो रही है राइट, और नया एकेडमी जो है ना मार्केट के अंदर आ रही है, ठीक है। अब उन लोगों ने ना क्या करना शुरू किया, उन लोगों ने बेसिकली अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की राइट। अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको डंके की चोट पे बताऊंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और मेरे पास रिकॉर्डेड। उन लोगों ने अब करना क्या शुरू किया, मार्केट में सब झूठ बोलते हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड लाइव बता दूं, अच्छा जी मेरी फैकल्टी जो है ना वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ी हुई है और आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की ना फैकल्टी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब हुआ गया कि वो चीज मेरी नजर से गुजरी एंड समवन आई न्यू वो उनके साथ रिलेटेड था, उसको मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा, उसको मैंने कहा कि यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में कब से आई, 2017 के अंदर आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिनको उन्होंने बुलाया था एज चेयर, आई वेंट ऑल द वे टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज चेयर, मैं जाके कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था, मैं कहा वो ऑक्सफोर्ड के अंदर है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में नहीं है, तो उसने आगे जाकर उनको फॉरवर्ड किया होगा, उन्होंने अपना पूरे का पूरा पोस्टर ही चेंज कर दिया और उसमें सिर्फ लंदन की जगह उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर दी। मार्केट में ये भी चल रहा है, ये बातें जो आपको मैं लाइव बता रहा हूं ना ये रिकॉर्ड भी रहेंगी और आप मुझे बाद में पकड़ लेना बच्चे किसके ऊपर। सो व्हाटएवर वी आर टेलिंग यू इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन दिस आइडिया कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं या मैडम आपको ये कह रही है ना कि हम ये लेक्चर्स में आपको चीज बताएंगे और वो बताएंगे, वो आपका अगर टेस्ट वीकली होगा तो होगा, आपको इवैल्यूएशन मिलेगी तो मिलेगी, आपके मेंटर्स के साथ क्लासेस होंगी तो होंगी, मेरी बात समझ आती। उसके अलावा आपके पास लाइब्रेरी एक्सेस है, आप सुबह 9 बजे आए रात को 8 बजे तक बैठे रहे हमेशा राइट, आपके पास एक्सेस है, आप बैठे हैं आराम से सुकून से, आपको ये कम नहीं कहेंगे भाईजान आपके तो मॉर्निंग का सेशन था आप शाम को क्या कर रहे हैं राइट, जिनका शाम का सेशन होगा वो सुबह को आके बैठ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, वट एवर वी आर टेलिंग यू हियर राइट ऑन रिकॉर्ड बात राइट, ये ऐसे कुछ ही होगा, आपके जितने सवाल आते हैं आप करें उन चीजों के अंदर, जो चीज झूठ अगर हुई तो आप हमें पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा जी तैयबा कह रही है इस्लामाबाद हम नहीं आएंगे क्योंकि इस्लामाबाद में ना वो मजा नहीं है कि आप रात को 12 बजे भी निकलो तो आपको ताजा पराठे और चाय सारा कुछ मिल रहा, ठीक है इस्लामाबाद हम नहीं आएंगे, हाँ लेकिन इस्लामाबाद वाले कैन टेक द सेशन ऑनलाइन, ठीक है, और आप मोस्ट वेलकम है लाहौर आए, जोक्स अपार्ट आप जब फिजिकली आके पढ़ सकते हैं ना तो प्लीज पढ़ें। मैंने पढ़ा था कोविड के टाइम पे, मैं तड़पती थी कि मैं किसी तरह जो है ना जाके पढ़ सकूं क्योंकि उसमें इट्स नॉट लाइक अटेंशन का फर्क है, इट्स लाइक योर ओन मैनर ऑफ इंटरेक्शन इज स्लाइटली बेटर, ठीक है। वी विल कुक यू पराठास, ओके अच्छा। हाँ जो स्टूडेंट नहीं है वो भी लाइब्रेरी ले सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली उनको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो आप मैडम से जो है उसके बारे में राबता कर लें। इरम जो आपकी बात थी ना उसकी वजह यही है कि मई में ना बच्चे सबसे इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। मार्च में जो हमारा सेमिनार हुआ था उसमें यहाँ पे ना जगह नहीं थी, ठीक है। इसमें ऑनलाइन बहुत ज्यादा हुए हैं, कैंपस पे कम आए हैं क्योंकि लोग अभी गए ना ईद के लिए घर, वो वापस ही नहीं आ रहे। मई का ये टाइम ऐसा इस साल हो गया है रोजों की और ईद की वजह से कि इस टाइम पे लोग ज्यादा लेट बैक चल रहे हैं। मार्च में भी पीक रश था, जून ऑनवर्ड भी पीक रश होना है, ठीक है। प्रॉब्लम उसके अंदर सिर्फ ये हो जाता है कि आपके लिए चीजें मैनेज करनी ना ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती हैं। और मैं एक चीज आपको मेंशन कर देती हूँ, मैंने आपको बार बार कहा कि काम उतना ही लिया जाता है जितना आप जस्टिफाई कर सको, वो ब्लाइंडली गोल्ड रश नहीं होती। अगर लेट सपोज आगे एक्सट्रीम कोई रश होता है ना, मे बी हम स्टूडेंट्स को लिमिट कर दें, हमने अभी भी 20 का कैप ही रखा हुआ है, ठीक है। मे बी फिर मैं कहूँ कि अक्टूबर जून जुलाई में स्टूडेंट्स का ज्यादा है तो हम अब जो है अक्टूबर में नहीं अनाउंस करते, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, स्टूडेंट्स का हमें कभी भी ढेरी लगा के ना खुद मजा आता है पढ़ाने का ना स्टूडेंट का फायदा होता है, ठीक है। लिमिटेड ही रहेगा वो, यहाँ पे एट एनी गिवन डे आपको वो चीज नहीं नजर आएगी कि पूरे के पूरे जो 60-70 बच्चा इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ठीक है, डैट इज नॉट द केस।
उसको जहन में रखें। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि 24 से पहले हम कितने बैचेस निकालेंगे, प्लान तो यही है, लेकिन आई नो फॉर श्योर कि कोई ना कोई महीना ऐसा आएगा जब हम उसको खुद ही जो है कहेंगे कि नहीं करना। ठीक है, हाँ इंग्लिश की सेपरेट भी है क्लास, ठीक है। ये डेफिनेटली रीज आप कह रही हो कि इंग्लिश ग्रामर का इशू है, इंग्लिश का एसे का इशू और प्रेसी का इशू ग्रामर के इशू से ही स्टार्ट होता है। आपको डे वन पे ये नहीं सिखाने बैठेगा कोई कि प्रेसी ऐसे सॉल्व करते हैं और आउटलाइन कैसे लिखते हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिकली आपका सबसे ज्यादा इशू जो ऐसे प्रेसी का फेलियर का होता है वो ग्रामर की वजह से होता है। इट्स द बेसिक्स दैट मैटर। एनालिसिस सब्जेक्ट्स का पढ़ना आप सब सीख लेते हैं, सब का एंड पे अभी कल लिटरेरी एसेस की वर्कशॉप एंड हुई है जो पीएमएस के स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने ना 4 दिनों में पिकिंग पावर बड़ी अच्छी डिस्प्ले की, लेकिन एंड पे ग्रामर का इशू रह गया क्योंकि वो एंड पे आए थे सिर्फ 4 डे की वर्कशॉप के लिए, शुरू से सेशन में वो नहीं। ग्रामर का इशू ना 90% आवाम का है, उसी को पहले ठीक करना जरूरी होता है, वही पहले ठीक होगी। इंग्लिश मैंने आपको बताया एसे मैंने पढ़ाना है और प्रेसी जो है वो सर करीम अख्तर ने पढ़ानी है जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं पीयू में और रिफा यूनिवर्सिटी में भी हैं। ही इज बीन टीचिंग सिंस 8 ईयर्स। ठीक है, अब आपका कोई सवाल, अगर कोई आखिरी आखिरी सवाल है तो हम उसको करते हैं एंड देन वी विल वाइंड इट अप। जैसे मैंने कहा ये हमारा सेकंड फॉर्म है, हम पे एडमिशन ले लेते हैं तो इसका मैंने जो कुछ नोट किया है फी ले लेते हैं सब। आप मुझे काइंडली नाम बता सकती हैं बिकॉज ये हाँ अभी रिसेंटली आप पिछले बैच से भी मैंने एक बच्ची मेरे से थी तो उससे मैंने पूछा था कि मैं मोड ऑफ करने को कुछ बता रहे मैम भी से, लेकिन मैंने अभी तक हमसे ऐसे नहीं पाया, बिल्कुल नहीं लिखवाया। नहीं नहीं, रमजान की वजह नहीं होती, पता है क्या होता है आपको, मैं अभी भी कह रही हूँ कि स्टेपिंग स्टोन्स के तौर पे लेके चला जाता है उनका, आपका जो एसे का बैच है ना उनकी हर वीक असाइनमेंट होती है, ठीक है। नोबडी एल्स इज टेकिंग वीकली असाइनमेंट्स। वीकली असाइनमेंट का मतलब ये है कि पहले दिन आप पैराग्राफ लिखते हैं, फिर आपको थीसिस स्टेटमेंट आती है, फिर आपकी आउटलाइन होती है, तब जाके जो है आपका एंड पे ऐसे होता है। ये बात सच है, मैंने उनका अभी तक फुल लेंथ ऐसे नहीं लिया बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। उनके 12 से 14 आउटलाइंस बनती हैं ना, तब मैं उनका एक ऐसे लूंगी जो मैंने अभी लेना है, ठीक है। द थिंग इज कि स्टूडेंट अगर एक सर्टेन मेथोडोलॉजी से, ये मुझे जहां तक पता है ना आप किन की बात कर रहे हो, आप अगर टीचर के बताए हुए तरीके पे फेथ रखे बगैर अपना तरीका लगाओगे ना वो तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। देर हैज बीन अ स्टूडेंट आई नो जिसने पता है क्या किया था, जाके पूछिएगा अगर तो ये वही स्टूडेंट है तो, डे 3 तक ही डिडंट टेक एनी लेक्चर्स। डे 3 पे आके उन्होंने एक एसे जमा कराया, उस एसे के अंदर हेडिंग्स थी, एसे में हेडिंग्स नहीं लिखते, ये बेसिक है। इंक काली है पीली है जो भी है वो बेसिक से नहीं फॉलो हुई, मैं उसको कभी भी चेक नहीं करूंगी, ये बात मैं बड़ी कन्विक्शन से कह रही हूँ। बात ये है कि आपको पहले लेक्चर्स लेके चीजों को समझना है, आप अगर चीज बेसिक से जड़ से गलत ला के लिखवा रहे हो ना, मैं आपको उसी दिन बताऊंगी कि ये चेक नहीं होनी, भाई पहले प्रोसेस से तो गुजरो, ठीक है। अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजर रहे तो फिर हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है। आपने अगर ऐसे हेडिंग और डायग्राम्स के साथ बनाया तो ऐसे है ही, उसमें क्या चेकिंग होगी, ठीक है। मेथड तो सीख लें, सही लिखेंगे तो चेक होगा, गलत लिखे हुए की कोई वैल्यूएशन नहीं है। एंड देन सेकेंडली मैं आपको बताऊं, ये जो गिमिक्री है ना ये करना बहुत आसान होता है कि जिसने जो भी चीज ला के दे दी ना आपने उस पर यूं करके दे दिया। द प्रॉब्लम विद मी इज दिस कि मैंने चीज को करना है ना इवेल्युएट तो उसको डिटेल से करना है, ठीक है। डिटेल से करना है ना तो उसमें ए एंड दी ग्रामर सब चीजें आ जाती, ठीक है।
आपने अगर पढ़े बगैर ही कहीं और से पढ़ के ला के चीज दी है ना, तो आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल टू द टीचर एज वेल, कि यार आप क्लास लेने की जहमत ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी ला के दे रहे हैं तो वो चेक नहीं होगा, सॉरी उससे। ठीक है, एज फार एज द फीडबैक इज कंसर्न, मुझे पूरा का पूरा यकीन है, ये बात कोई कभी भी क्लेम नहीं करता, कि आप किसी भी टाइम पर आके खड़े हुए स्टूडेंट से पूछ लो ना कि क्या है क्या नहीं है, आप पूछें। लेकिन मुझे पता है एक दो बैचेस में से हर बैच में से एक दो बच्चा ऐसा लाजमी निकलता है जिसको लाजमी मेरे मेथड से प्रॉब्लम होता है, वो होगा। ठीक है, द रीजन इज दिस, कि जब आप एक सही डायरेक्शन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे ना, आपने पढ़े बगैर लिख के दे देना है कुछ भी, तो वो काम नहीं है। पढ़ोगे तो फिर लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर लिखोगे भी नहीं। हमने अभी बात की कि अगर आप पहले हमारे तीन टेस्ट को मिस करते हैं ना, हम चौथा टेस्ट नहीं देने देंगे, क्योंकि हमें हमें भी तो पता है ना कि किस तरह काम कराना है या किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, दूसरी 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 तीसरी अटेम्प्ट फिर उसके बाद आके ना स्टूडेंट को हमारी कदर ज्यादा होती है जिन्होंने दो तीन अटेम्प्ट दी होती है। उसकी वजह यही है कि वो दो तीन अटेम्प्ट में ना वो सारी फैक्ट्स देख चुके होते हैं जो कि फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम काइंडली हैव सम फेथ इन द प्रोसेस एंड देन ओनली आप उसके ऊपर जो है वो काम करके चलें। ठीक है, मॉक टेस्ट से पूछें इसको बाद में करता लेते हैं, फिर बाकी और क्वेश्चंस भी आपके मेंटर करते हैं, मॉक टेस्ट पे पहले वो बाद में पूछने वो बाद में पूछ लेंगे। तो वो आप सारी जो डिटेल है ना उसकी टॉपिक वाइज का सिलेबस ब्रेकडाउन स्केड्यूल वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से ले लें। ठीक है, वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे उसका जो ब्रेकडाउन है सिलेबस का। हाँ बिल्कुल, वो आंसर हो गया। और कुछ और कुछ और सवाल? अभी जैसे ये 5 मंथ्स का प्रोग्राम है, उसका मतलब हम सिर्फ 5 मंथ्स तक आप स्टूडेंट्स से बात नहीं हुई? उसकी बात हम उसे उसकी बात और ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत वो तो उनके सेपरेट करना वाले हैं ज्वाइन करें, वो एक तरह की बात है। लेकिन उसके अलावा अगर लेट्स सपोज आपने इसमें वेरिएशन कर दी, इसमें मैंने बताया कि इफेक्ट बुक है, तो कभी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और अपॉइंटमेंट्स ट्वाइस वीकली ली जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स और उनका फॉर्म बना ही इसलिए हुआ है कि जिसने बाद में आके कंसल्ट करना है ना वो आके कंसल्ट करे। ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट इसलिए दी जाती है ताकि देखो हमने आपको देना है अलग से कोई घंटा 45 मिनट आधा घंटा, तो वो तरीके से दिया जाए। अगेन वो गिमिक्री आसान है कि आप जब दिल करें वॉक इन करें, हमने आपको 5 मिनट में चरखाया और आप चले गए। वेरी फ्रेंकली ये चीजें होती हैं, हमारा क्योंकि तरीका थोड़ा ज्यादा निटी ग्रिटी में परफेक्शन में जाता है, तो उसमें फिर वो बंदा मार खा लेता है जो बिल्कुल ही जो है ना वो जुगाड़ वाले वे से चल रहा हो। ठीक है, हाँ डेविड, आपने जो टेक्स्ट करे है ना एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूरिंग द सेशन आप कर रहे हैं, आपका ये सेशन एंड होगा तो वो रिप्लाई करेंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इंसान होती है, ठीक है, वो अभी सेशन के दौरान दे आर मैनेजिंग द सेशन। ठीक है, आप प्लीज ये भी एक्सपेक्ट ना किया करें कि विद इन 2 मिनट्स जब आप चला जाएगा, विद इन अ मिनट आपको ऑटोमेटेड मैसेज तो चला जाते हैं जिसके अंदर आपके वो लिंक्स वगैरह सारे हैं। कोई फर्दर क्वेरीज है ना तो गिव देम सम टाइम, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी वैसे भी इस टाइम पे आधी वापस जा चुकी है घरों को, हम उनको भी स्लेवरी नहीं करा सकते, 8 बजे से ऊपर टाइम हो गया। ठीक है, वीकेंड का टाइम है, हमारी आधी से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही ऑफ हो चुकी है। ठीक है, आपने मैसेज कर दिया है, आपको रिस्पांस उसका आ जाएगा, बट लेट दिस सेशन एंड एट लीस्ट। ठीक है, लेट देम कंडक्ट इट स्मूथली विद ड्यूरिंग द सेशन, मैं किसी को फोन के यूज जो है वो नहीं अलाउ करती। ठीक है, अब ये आप ही बताएं क्योंकि एट दिस पॉइंट ना क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इट्स जस्ट गपशप। सो बेसिकली इरम, आई एम वेरी श्योर कि आपको गुजारा नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह, बिकॉज एवरीवन हु इज जो है वो अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स आर कॉम्पिटेंट इनफ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चीजें सारी की सारी जो है वो करेंगे उसके साथ, और एवरीवन विल बी टेकन केयर ऑफ। और फिर उसके अलावा होता ये है कि जब सारी चीजें डिस्कस हो रही होती है ना, तो फिर सबके ऊपर फिर एक चेक एंड बैलेंस हमारा भी होता है। So we are always looking for the things, ना कि अच्छा ये चीजें complete हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। आपकी classes के बाद फिर हम teachers के साथ भी meetings करते हैं
कि सर आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम स्टूडेंट से उनका फीडबैक लेते हैं कि आप बताएं कि क्या चीजें चल रही हैं सारी की सारी, तो एवरीवन इज अकोमोडेटेड इंशाल्लाह, तो आपको गुजारा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का वो कह रहे हैं ना, हमें रिस्पांस नहीं अभी मिला, प्लीज थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है? आपने अभी रजिस्टर किया है, कोई बैक एंड जो भी काम होता है, कोई पेमेंट वेरिफिकेशन होती है, तब दे विल गेट इन टच विद यू, ठीक है? थोड़ी सी जो मिसट्रस्ट जनरली प्रिवेल की है ना, मुझे पता है उसमें किसी का कसूर है, बहुत सारे लोगों का कसूर है कि अब लोग फॉर एग्जाम्पल कॉमनर्स से पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पैसे लेके सिटी पे शुरू कर देते हैं तो वो वापस नहीं लेते। उधर उनका डीजी साहब ने फोन सीज किया होता है, लोगों को पता भी नहीं होता कि 3 दिन की उन पर पेनल्टी लगती है, ठीक है? आप मैसेज करते रह जाओगे, कोई आपको नहीं दे देगा। बहुत सारी अकेडमी में आपसे कह रही हूँ, आई हैव माय सेल्फ बीन अ विक्टिम इस चीज का, जो कि मेरे लिए स्पेशली बहुत ट्रबलसम चीज थी, बार बार शरगोदा से लाहौर आना जाना सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरा पेपर नहीं चेक हो रहा, मेरा पेपर नहीं चेक हो रहा, ठीक है? आई अंडरस्टैंड द स्केप्टिसिज्म, लेकिन इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ड्यूरिंग द सेशन एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। If you have registered, आपको it will take a day or two, Sunday है, खत्म होगा, Monday को आपको response चला जाएगा, ठीक है? हर चीज का एक process होता है, ठीक है? अच्छा, और कुछ? Is current affairs interdisciplinary with? Unlearn करना मुश्किल है चीजों को, लेकिन all I can say is this, कि जब आप इधर से start ले रहे हो ना, तो kindly फिर ये समझ कर करो कि पीछे आपका कोई भी चीज नहीं थी, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है? इस करंट अफेयर्स इंटरडिसिप्लिनरी विद पाकिस्तान अफेयर्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के ये सबसे ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इंटरडिसिप्लिनरी आपस में। इंशाल्लाह आपको इंटरडिसिप्लिन लिखना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे, ये सारी की सारी चीजें। सर कोई और सवाल ऑनलाइन है? ठीक है, वो सारे एड्रेस मेरा ख्याल है हमने करनी है यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सेशंस में नहीं आते, वो फिर भी हमारी बुकशॉप से जो है वो नोट्स जो है वो बाय कर सकते हैं। हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, जो कि हमारे पास अवेलेबल बुक्स की लिस्ट है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास फैक्ट बुक्स अवेलेबल हैं, हमारे पास प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने जो है 1973 से ऑनवर्ड्स हमने सारे के सारे इनको टॉपिक वाइज डिवाइड करके, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके रखे हुए हैं सीएसएस के, अब वो भी बाय कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू कैन बाय एवरी बुक जो कि आपके पास आपको चाहिए है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी बुक अगर आपको चाहिए हो, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको वो आपके आपके पास जो है वहां पर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें वाइंड अप इसको करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बार बात कहूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर हम रख लेते हैं ना आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, तो प्लीज यूज दिस चैट बॉक्स वाइजली एज वेल, क्वेश्चंस फिर यूजफुल किया करें। फॉर एग्जांपल हॉस्टल सर्विसेज समथिंग आई कैन नॉट आंसर, हॉस्टल यहाँ इतने ज्यादा हैं, मैं रिकमेंड किसी को नहीं करती, मेरा किसी के साथ टाई अप नहीं, ठीक है? आप आके उसको खुद देखो, बिल्डिंग्स अवेलेबल है, लाहौर है ऑब्वियसली, एकेडमिक का एरिया है, तो इसको भी थोड़ा सा फिर वाइजली यूज किया करें। जब आपको एक बंदा बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहा हो ना आपके लिए, तो ऐसी बात भी फिर नहीं कर देते कि अगली दफा जो है ना वो कहे कि मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने भी जाकर जो है ना ऑफिस के अंदर बंद हो जाना है, इधर 2000 और लोग आके सेमिनार्स करा के जो है वो चले जाया करें, ठीक है? कैन द बुक्स बी डिलीवर्ड टू इस्लामाबाद? जी, हम इस्लामाबाद को छोड़ें कराची कोटा तक बुक्स को डिलीवर कर रहे हैं, तो इट दे विल बी डिलीवर टू एनी सिटी जहां पे आप जो है बेसिकली जो चाह रहे हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान अभी तक हमें ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली वी कैन डिलीवर दैट ओवर देयर एज वेल इंशाल्लाह जी। व्हिच थैंक यू वेरी मच, कोई जैसे आपने बात की, इट्स गुड दैट यू आस्क, क्योंकि पूछना बेहतर होता है, पूछना जरूरी होता है, और उसका जवाब आपको आई होप समझ में आ गया, ठीक है? डेविड बार बार पूछ रहे हैं, इज एलीट मेंटरशिप फीजिबल फॉर पीपल इन द सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट? डेफिनेटली डेविड, आई पर्सनली बिलीव कि इट इज मोर फीजिबल फॉर द स्टूडेंट्स जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के हैं,
क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तैयारी की हुई है, या खुद भी पढ़ा हुआ है, या उनके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज भी है और वो आपसे क्लास में आके हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं चीजों के बारे में. आई पर्सनली बिलीव इट इज वेरी वेरी फीजिबल. फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी बहुत फीजिबल है, लेकिन सेकंड थर्ड वालों के लिए भी फीजिबल है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी नॉलेज होगा और वो अपनी बहुत सी चीजों को हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि सर कुराने मैंने ये पढ़ा था तो ये चीज जरा मुझे बताएं कि क्या ये वाकई ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. तो इट इज डेफिनेटली फीजिबल फॉर दैट. ठीक है जी. What are the necessary things we students should have before the session starts? Samira, you just need to have good passion, right? और आपने बस अल्लाह पे भरोसा रखना है, और हमने जो चीजें आपको बतानी है ना उन चीजों को आपने लेकर चलना है. उसके लिए required चीजें हैं ना, उसका एक basic bundle बना होता है, वो आपको before the session ही मिल जाएगा, parcel हो जाएगा. आपने करना ये है कि kindly अपने addresses, madam जब आपसे ली, अभी वो यहाँ पे नहीं है, उनका ऑफ हुआ हुआ है, एड्रेसेस आपने जो है ना उन अपने दे देने हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो आपको, ताकि वो बंडल जो हैं आपके पहले से डिस्पैच हो जाएं, वो आपके हाथ में होना जरूरी है. ठीक है, थैंक यू वेरी एंड ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. बस इसको रैप अप करते हैं जी. जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने हमें सुना, ऑनलाइन भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और फिजिकली भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हुए होंगे. आई एम श्योर कि कुछ क्वेश्चंस होंगे अभी भी जो कि जो स्टूडेंट्स के जहन के अंदर अल्टीमेटली होते हैं. सारे क्वेश्चंस एड्रेस नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली वी कैन आंसर दोस क्वेश्चंस एज वेल. एंड व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू इज कि बिफोर द सेशन स्टार्ट्स, अगर आप कुछ और सवाल हो, व्हाट यू कैन डू इज आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं. राइट, आप अपॉइंटमेंट्स ले लें. राइट, आप एक फॉर्म फिल करें, अपॉइंटमेंट्स आपकी स्केड्यूल कर सकते हैं. हम अपॉइंटमेंट्स को हम बैठेंगे वहां पे भी वन ऑन वन डिस्कशन जो है वो की जा सकती है. तो आप अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारे गिवन नंबर पे मैसेज करें, और एक मैसेज करने के बाद अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाएगी. उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करते हैं इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. मे अल्लाह ब्लेस यू जी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. और आप जो अगर सोच रहे हैं जो है इस सारे के सारे प्रोसेस में, अल्लाह ताला आपको उसके अंदर कामयाब करे. थैंक यू वेरी मच, इट वॉज एन ऑनर टॉकिंग टू यू जी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.